What's up? So today we are doing a revision class of standards on auditing, which is applicable for CA final, both old and new syllabus. So jin logo ko lag raha hoga ki sir ye pura aap aise karaoge, isme sare essays nahi honge, jitne bhi repetitive hote hain, important hote hain exam point of view se, theek hai? This is only for just your revision. Jinko bhi actual pura chahiye, to bas aapko detail mein padhna hoga. Ye khali quick recap hai, aapne har teacher se padh rakha hai. आपने अपनी ऑथर की बुक फॉलो कर रखी है. डू नॉट पैनिक, इट्स जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑल द एसेज व्हिच हैव बीन रिपीटेडली आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट. सो ये शीट जो आपको सामने दिख रही होगी स्क्रीन पे, इट इज रिटन बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट आकाश वेद, जो लेटेस्ट बैच का स्टूडेंट था. बहुत अच्छे उसने ड्राफ्ट कर रखा है. सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर क्राउड पैन इंडिया. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है यार, दुआ मांगते रहो सबके लिए कि सब लोग पूरी दुनिया में सब लोग सही रहे बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस स्प्रेडिंग थ्रू आउट. डू नॉट पैनिक, कहीं भी ट्रैवल मत कीजिए अगर वो जरूरत नहीं है तो. स्टे एट होम, स्टडी हार्ड एंड स्टॉप ट्रैवलिंग, स्टॉप गेटिंग पैनिक. बहुत बच्चे भी दुआ करेंगे शायद एग्जाम आगे पीछे हो जाए, अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स. आपको पता होगा मई 20 की जो मॉड्यूल है न्यू सिलेबस की, वो रिवाइज की थी इंस्टीट्यूट ने, ठीक है. टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर पुरानी मॉड्यूल है तो. सो स्टूडेंट्स जो आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड स्टूडेंट्स जो आर रिपीटिंग देयर अटेम्प्ट बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, हर चैप्टर के पीछे चार चार पांच पांच केस बेस्ड एमसीक्यू दे रखे हैं. बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हैप्पी रियलाइजेशन फॉर दैट. डू नॉट पैनिक, हमने क्या किया है फॉर बोथ द सब्जेक्ट लॉ एंड ऑडिट, वो पांच पांच चार चार जो हर चैप्टर के पीछे दे रखे थे, हमने उसको एक शीट में कंपाइल कर दिया है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. सो आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपको कोई नया मॉड्यूल बाय नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है. यू हैव टू गो टू letslearnindia.in, www.letslearnindia.in, वहां जाइए. वहां पर आप देखिएगा फ्री रिसोर्सेज में, वहां पर आईसीआई केस बेस्ड एमसीक्यूज लॉ, आईसीआई केस बेस्ड एमसीक्यूज ऑडिट, दोनों की हमने शीट कंपाइल करके डाल दी है. जिन बच्चों को नहीं फॉरवर्ड कर पा रहे हो, जो साइट नहीं विजिट कर पा रहे होंगे, शायद इंटरनेट का कुछ इशू होगा, आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे आप उनको प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली मई 20 की न्यू सिलेबस के मॉड्यूल में अपडेट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम. अब आईसीएन इतनी मेहनत करके भाई माए बाप है अपना, तो शायद वो उसमें कुछ एग्जाम में रिपीट कर दे. सो बस आपको चीजें करनी पड़ेगी. मुश्किल से आप मान लीजिए लॉ के लिए आपको 3-4 घंटे लगेंगे, ऑडिट के लिए 3-4 घंटे लगेंगे. आज हम अभी मार्च में बैठे हुए हैं, आपके पास पूरा अप्रैल भी है, आधा मार्च भी है. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, उसको एक बार पढ़ के जाइएगा, बिकॉज वो आप इंस्टीट्यूट ने बजा के बोला है ना भाई, ठोक बजा बजा के केस बेस एमसीक्यू आएंगे, केस बेस एमसीक्यू आएंगे. सो आईसीए ने मेहनत की है तो बस आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, गो टू letslearnindia.in, फ्री रिसोर्सेज, वहां पर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा. और बहुत सारी चीजें वहां पर अपडेट कर दी गई, अमेंडमेंट्स वहां पर ऑलरेडी डाल दिया था मैंने यूट्यूब पर, फेमा के एडिशन ऑलरेडी डाल दिए थे जो मई 20 में एप्लीकेबल है, आप उसको भी देख लीजिएगा. दूसरा चीज, ठीक है, आपको पता होगा लास्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, फॉर मई 20 नवंबर 20 के लिए आई हैव स्टार्टेड विद अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, सिंगल पेरेंट और आर्मी नेवी एयरफोर्स के जिनके पेरेंट्स हैं एंड सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीक है, उनके लिए हमने स्कॉलरशिप शुरू की थी और उन बच्चों को दी भी है. सेम चीज वी आर स्टार्टिंग फॉर मई 21 एंड नवंबर 21 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स. सो आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जो जूनियर्स होंगे आपके बिल्डिंग में, कॉलोनी में, आपके दोस्त जिनको आप जानते हो, जिनको थोड़ी सी तकलीफ है, उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा 20th मार्च के बाद, आई रिपीट 20th मार्च 2020 के बाद letslearnindia.in पर स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑन होगा 10 दिनों के लिए. सो दे हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड दिस इज द क्राइटेरिया देयर. वी विल बी सिलेक्टिंग टू स्टूडेंट्स, वन फॉर मई 21, अदर वन फॉर नवंबर 21. तो जो भी है उनको आप रिक्वेस्ट, आई मीन आई एम रिक्वेस्टिंग, आपका 10 मिनट लगेगा, आपके जो भी फ्रेंड्स है उनको बता दीजिएगा, जो भी आप जिनको जानते हो कि वो फॉर्म भरे, सो दैट वी कैन हेल्प, और अगर लगे तो फिर दुआ दीजिएगा. कूल, सो वी स्टार्ट विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिवीजन. इसकी शीट आप जो देख रहे हो, ये शीट आपको मिल जाएगी नीचे यूट्यूब, आई मीन जब ये आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर एक डाउनलोड का लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा. आई रिपीट, दिस इज नॉट अ डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का वीडियो, इट इज ओनली अ पॉइंटर्स रिवीजन, अ क्विक रिकैप फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड ये उन्हीं स्टैंडर्ड्स को रिपीट करेंगे, मैं पर उन्हीं स्टैंडर्ड को हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं एंड जो लगते हैं आ सकते हैं. जिनको भी डिटेल चाहिए, बॉस आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा अपने टीचर्स की बुक से,
तो आपके पास जो भी बुक है, जिसको भी आप फॉलो करते हो, हर किसी से महान होता है बॉस, जिन्होंने आपको पढ़ा, यू शुड बी थैंकफुल टू देम, उनकी बुक लेके बैठ जाइए और ये शीट सामने रखिए, एंड जस्ट अ क्विक रिकैप फॉर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन द एग्जाम एंड द स्टैंडर्ड व्हिच हैव कम इन द एग्जाम. बहुत बच्चों को डाउट रहता है सर ऑडिट को कैसे टैकल करना चाहिए. ग्रुप वन में FR निकल जाता है, SFM निकल जाता है, लॉ वैसे बहुत ईजी है तो बहुत लोगों का निकल जाता है. ऑडिट इज अ पैनिक वाला सब्जेक्ट. सो फ्लो में ध्यान रखिएगा, आपको उन चैप्टर्स को ध्यान रखना है. बहुत सारे बच्चों को इग्नोर कर देते हैं. नॉर्थ इंडिया में फेमस है समथिंग कॉल्ड एज अदर ऑडिट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर्स, फिस्कल लॉस चैप्टर्स, पीयर रिव्यू चैप्टर, ठीक है, इंश्योरेंस ऑडिट, बैंक ऑडिट, CFS ऑडिट, PSU ऑडिट. ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है गाइस, अगेन आई रिपीट, ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ये बहुत स्कोरिंग है. इनको अपना फोर्टे बनाओ, इनको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाओ, इन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. हर चैप्टर में करीबन 8-10 क्वेश्चंस होते हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं होता है एक्सेप्ट फिस्कल लॉस चैप्टर. एंड इस टाइम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अमेंडेड है, उसका भी वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी आ जाएगा मान लीजिए हफ्ते भर में यूट्यूब पर, ठीक है. बाकी PSU ऑडिट, CFS ऑडिट, पीयर रिव्यू, न्यू सिलेबस में क्वालिटी रिव्यू, ये सब चैप्टर्स बहुत रिपीटेटिव है, कोई अमेंडमेंट नहीं आता, स्ट्रेट फॉरवर्ड ICAI क्वेश्चन पूछता है. सो माई रिक्वेस्ट इज कि आप उसको ढंग से पढ़िए. नेक्स्ट वेटेज होनी चाहिए आपके प्रोफेशनल एथिक्स की. आपको पता है 16 मार्क का प्रोफेशनल एथिक्स आता ही है. सो नेक्स्ट वेटेज होनी चाहिए आपके प्रोफेशनल एथिक्स पर. सो प्रोफेशनल एथिक्स को आप अच्छे से करोगे, देयर आर 34 क्लॉजेस शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 को मिला, आई मीन फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल को मिला के 19 एंड 15. आप सेकंड वेटेज उसको रखोगे, थर्ड वेटेज आप दोगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हर अटेम्प्ट में, हर अटेम्प्ट मोटा माटी 25 से 30 मार्क, 120 मार्क का मेरा पेपर होता है. आई एम कंसिडरिंग MCQs प्लस डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑप्शनल. 120 मार्क का मेरा पेपर होता है, 25 से 30 मार्क ऑन हायर साइड 30 मार्क में बोल रहा हूं. 90 मार्क का मेरा पेपर मेरे हाथ में होता है. सो कहां से आते 90 मार्क? मेरे वो छोटे चैप्टर्स, मेरा वो एथिक्स और मेरा वो कंपनी ऑडिट टू सम एक्सटेंट, ठीक है, जिसमें अकाउंट्स ऑफ कंपनी, डिविडेंड, ऑडिटर्स, कारो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर, ये मेरा करीबन अलग से 15-20 मार्क कहता था. तो ये तीन को पहले फोटे बनाए. चौथा वेटेज आप स्टैंडर्ड्स को दीजिए. स्टैंडर्ड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही आते हैं, इंपॉर्टेंट है. कोई भी 5 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा रैंडमली, जितने भी स्टैंडर्ड्स है उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन वो पूछेगा 5-5 मार्क के. सो हमें नहीं पता कौन सा, इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल. हाँ, कुछ पैटर्न बनता है, कुछ रिपीटेटिव होते हैं, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट, पढ़ना तो सब कुछ है. तो अपने जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जिसमें से 20 के आसपास आपको अच्छे से आने चाहिए, जो बड़े होते हैं, जो फाइनल से के लेवल के है, एक बस इसमें से हाँ शायद आ जाए वहां, और रिपीटेटिव भी होते हैं. एक तुक्का होता है कि वो नया कौन सा पूछे इंस्टीट्यूट, SQC, SREs, SCEs में आपको पता होगा सब हट चुके हैं, खाली SQC 1 छोड़ा हुआ है इंस्टीट्यूट ने. सो SQC 1 विल अगेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. SA 701 अमेंडमेंट थी दो तीन अटेम्प्ट पहले, एक ही बार अभी तक एग्जाम में आया है, तो शायद वो भी आपको दिख जाए पेपर में. सो SQC 1 701 विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है. अब आ जाओ हम लोग जो स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, अगेन आई रिपीट बॉस, 20 से 25 मार्क आता है, इसको आप फोर्थ पढ़ेंगे. पहला आप छोटे चैप्टर्स को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दूसरा आप प्रोफेशनल एथिक्स को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तीसरा कंपनी ऑडिट को कॉन्सेंट करेंगे, चौथा स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है. आ जाओ. सो आपको दिख रहा होगा, एंड दुआ देते बेचारे आकाश को भी, बेचारे ने अपने नोट्स शेयर किए सबके बेनिफिट के लिए, ठीक है. आई मीन आई प्रे कि मेरे जितने भी अच्छे वीडियो देख रहे हो सब पास हो जाए, सब मतलब सब, ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं SA 415, ठीक है. It says evaluation of misstatements identified during audit. Evaluation of misstatements identified during audit. 450. So 400 की सीरीज में दो ऐसे हैं. 402 450. बहुत टाइम हो गया ये ऐसे आए नहीं अभी तक, ठीक है, क्योंकि 402 तो रिपीटेड हुआ करता था ओल्ड सिलेबस के अंदर, अब वो आया नहीं है, तो शायद वो दिख जाए. 450 की जो थ्योरी है वो बहुत ऐसे में काम आ जाती है, ठीक है. अब देखो कैसे पढ़ना चाहिए. Evaluation of misstatements identified during audit. SA 450. आपकी बहुत ज्यादा टीचर्स की बुक में ऐसा कोई वर्ड दिखता होगा आपको, ACPD. उसको बोलते हैं अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर. अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ये काम आएगा आपको आगे, ठीक है. नाउ हिंट, हाउ टू आइडेंटिफाई, अगर क्वेश्चन में अगर वर्ड दिखता है मिसस्टेटमेंट. सो 99% अगर मिसस्टेटमेंट वर्ड दिखा है, कहानी पूरी बनाया, वो आपको अकल लगने चाहिए भाई ऐसे 450 लगाए हैं वहां पर, ठीक है. अब मिसस्टेटमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? मिसस्टेटमेंट्स होते हैं तीन प्रकार के. एक होता है फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, एक होता है जजमेंटल मिसस्टेटमेंट, एक होता है प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट. एक होता है फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, एक होता है प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, और एक होता है जजमेंटल मिसस्टेटमेंट. अब फैक्चुअल मतलब क्या?
बॉस जो मेरे को दिख रहा है कि वो गलत है, बॉस मेरे को दिख रहा है कि वो गलत ही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एज पर इंडेस 2 या फिर जो अपना एएसए एंट्रीज वाला, ठीक है, उसमें कहा गया है कि बस आपको कॉस्ट और एनआरवी वैल्यू करनी है. कंपनी एनआरवी निकालने खाली कॉस्ट वैल्यू कर दे तो दिख रहा है कि वो गलत है, वो गलत है. दैट्स अ फैक्ट, दैट्स फैक्चुअल स्टेटमेंट. नंबर टू, जजमेंटल. फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने एक एस्टिमेट मारा है कि बस इतना बैडलेस होने वाला ही है. अब उस जजमेंट पर मेरे को लग रहा है कि बस इतना तो नहीं होना चाहिए, तो जो एस्टिमेट हो, जो मेरे प्रोविजन होते हैं वो जो मेरे गलत हो जाएंगे. दैट्स कॉल्ड जजमेंटल स्टेटमेंट्स. एस्टिमेट्स हो गया बेसिकली विच इज टोटल अनसर्टन. तीसरा, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट. मेरे सैंपल सिलेक्शन में मैंने जो सैंपल सिलेक्ट किया है और मेरी जो पॉपुलेशन है वो मैचिंग कर रही है. दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट. ठीक है, सो आपको अभी तो अपने एमसीक्यू भी है तो इसलिए सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी. तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स, फैक्चुअल, जजमेंटल, प्रोजेक्टेड. आपको हिंदी में समझा दो सिंपल सा. बॉस फैक्चुअल मतलब क्या, जो दिख रहा है कि भाई गलत है. जजमेंटल मतलब क्या, बॉस मेरे एस्टिमेट्स, मेरे अकाउंटिंग पॉलिसी गलत हो जाती है. देन नंबर टू थ्री इज योर प्रोजेक्टेड मिस्टेटमेंट. सैंपल की वजह से जो सामने पॉपुलेशन में गलत ओपिनियन बनेगा मेरा, लेट्स कॉल इट प्रोजेक्टेड मिस्टेटमेंट. लेट्स रीड. फैक्चुअल मिस्टेटमेंट वेयर देयर इज नो डाउट, बॉस है गलत है वो. नंबर टू, जजमेंटल मिस्टेटमेंट मीन्स देयर आर डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. थ्री, दिस आर बेस्ड ऑन द मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड इन अ सैम्पलिंग प्रोजेक्ट टू द टोटल पॉपुलेशन. सो बाय चांस अगर आपको एमसीक्यू में पहचानने को आ जाए तो आपको पता होना चाहिए. अच्छा, थ्योरेटिकली अपने को आईक्यू थ्योरी आंसर तो आता नहीं अपने को, अपने को केस स्टडी बेस्ड आंसर आएगा तो केस स्टडी में यह आना नहीं चाहिए. यह आएगा तो किसके लिए, एमसीक्यू के लिए. अब कहानी क्या होगी इसकी, ठीक है, अब कहानी देखो. सो पूरी कहानी इंश्योर बना के देगा, पूरी कहानी बना के देगा बॉस. ठीक है, सो पहले आप कुछ बता, मतलब बता दू उसका, मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है. द डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी क्या था मेरा, वो अमाउंट्स क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर. एसीपीडी अमाउंट्स क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो एफएस में दिखाई गई है और जैसे दिखाना चाहिए, एसीपीडी जैसे दिखाया गया है और जैसे दिखाना चाहिए, दोनों के डिफरेंस में अगर कुछ हुआ है, मतलब कुछ अलग है वो, तो वो क्या है, मेरा स्टेटमेंट है. एसीपीडी जैसे दिखाना चाहिए तो जैसे दिखाया गया है, दोनों में डिफरेंस है, तो क्या बोलते हैं अपन, स्टेटमेंट. सो द अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड द एसीपीडी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम टू बी रिपोर्टेड एज पर द एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. जैसा दिखाना चाहिए और जैसा दिखाया गया है, दो अगर वो डिफरेंट है, बस वो क्या है, मेरा स्टेटमेंट है. ठीक है, फिर एक और डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स. अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मतलब जो मिसस्टेटमेंट करेक्ट नहीं किया गया है उसको क्या बोलते हैं, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स. मिसस्टेटमेंट्स कलेक्टेड नहीं होगा, मिसस्टेटमेंट्स, हाँ, मिसस्टेटमेंट कलेक्टेड बाय द ऑडिटर बट नॉट करेक्टेड, उसको बोलते हैं अपन क्या, अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स. ये सब डेफिनेशन है, सब थ्योरी में काम नहीं आएगी. थ्योरी के लिए मेरा जो काम आएगा वो मेरा ये वाला आंसर है. सिंपल, आपको पहले हिंदी में कहानी समझाता हूं, बहुत सिंपल है. तुमको मिसस्टेटमेंट दिखा मतलब क्या, गलती है. अब मैनेजमेंट की गलती है तो तुम क्या करोगे, खुद बैठ के ठीक करने का भाई. ऑडिटर होता है राजा, क्या होता है ऑडिटर राजा, मैनेजमेंट को बोलने का, सर स्टेटमेंट मिला है, रिक्वेस्टिंग यू प्लीज आप उसको करेक्ट कीजिए. मैनेजमेंट दो बातें बोलता है, पहला सिचुएशन करेक्ट कर लिया, सर आप जो बोला हमने करेक्ट कर लिया, सुन के लेने का नहीं, कभी भी सुन के नहीं लेने का. मैनेजमेंट बोल रहा है हमने ठीक कर दिया है, हम क्यों सुन के ले, यू विल परफॉर्म, वापस से जाके चेक करना चाहिए. वापस से जाके चेक करने को अपन इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर. भाई एक बार तो किया ना, तभी तो मिसस्टेटमेंट मिला, वो बोल रहा है उसने ठीक कर दिया है, सुन के नहीं लेंगे हम लोग, वापस से चेक करेंगे. वापस से चेक करने को क्या बोलेंगे अपन, एडिशनल प्रोसीजर. समझा इतना चीज, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर के देखोगे वहां पर मिसस्टेटमेंट है कि नहीं. दूसरा सिचुएशन, मैनेजमेंट बोलता है कि बॉस नहीं ठीक करेंगे हम, भैया तुमको जो करना है कर लीजिए, हम तो ठीक नहीं करेंगे. उनसे पूछो क्यों भाई, क्यों क्यों आप क्यों ठीक नहीं करना चाह रहे हो, अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट बोलता हमारे हिसाब से ये मटेरियल नहीं है, हमको नहीं करने गए. स्पीक टू नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल वुड बी टीसीडब्ल्यूजी. सुना है सबको टीसीडब्ल्यूजी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. उनसे आगे बात करो, वो भी बोलते हमारे हिसाब से ये इमटेरियल है, इट इज इमटेरियल. ठीक है सर, आप लिख के दीजिए इस चीज को. वो जो लिख के देगा ना पेपर में, उसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते, ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. क्या बोलेंगे उसको अपन, ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. तुमको लगता है नहीं भाई यही तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है इसमें, तुम
क्या करने का? अगर ऑडिट रिपोर्ट आपके पास है, अगर ऑडिट रिपोर्ट आपके पास है क्या कर दो आप उसको? मॉडिफाई. क्या कर दो आप उसको? मॉडिफाई. मैनेजमेंट बोलता है कि हम आपको मॉडिफिकेशन भी नहीं करने देंगे. क्या करो आप? चुपचाप निकल जाओ भाई. निकलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. सो कहानी इंश्योर कुछ भी बना के दे. सी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. 3/4 ऑफ द क्वेश्चन विल बी फुल कहानी. इसने ये किया, उसने वो किया, ये. हाँ ठीक है. अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट. 1/4 ऑफ द क्वेश्चन. अगर वहां पर वर्ड लिखा है मिसस्टेटमेंट, सो अक्कल लगनी चाहिए. ऐसे फोल्ड करती है आपको वो पूछेगा. प्रोसीजर बताओ. बहुत सिंपल है. इट इज, तो आई एम कंपाइलिंग दिस पेज टुगेदर. तो यहां पर लिखा हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ द मिसस्टेटमेंट. पहला तो इंग्लिश में पूरा एकदम एग्जाम में तो ये चार्ट देखा जाए. एग्जाम में क्या बोले? पूरा थ्योरी लिख कराओगे. द ऑडिटर शुड कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट इट. पहला सिचुएशन, इफ द मैनेजमेंट करेक्ट्स, ठीक है, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर द मिसस्टेटमेंट रिमेन करेक्ट. नंबर टू, इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, अंडरस्टैंड द रीजन फॉर नॉट करेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट. बराबर. नंबर टू, डिटरमाइन द ऑडिटर शुड डिटरमाइन द मटेरियलिटी. इफ इट इज मटेरियल, कम्युनिकेट द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट. व्हाट इज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट? And the effect on his opinion to TCWG. Don't write TCWG in exam, please write full form. Those charged with governance. With a request, the uncorrected misstatement to be corrected. And if the TCWG has the opinion that we will not be able to correct it, obtain a written representation from the management or the TCWG with respect to the believing that the effect of uncorrected misstatement is immaterial. Okay? If it is still not corrected, if the auditor is having the report, he should modify the report. Achha, modification is not possible, then he should withdraw. If modification is not possible, then he should withdraw. Dhyan rakhna, ye procedure har jagah kaam aayega. Bahut jagah kaam aayega ye. Then, the time pass point number B to determine any review required in the audit plan or strategy. It's a process ka part, kuch kaam ka nahi hai. Mera yehi answer hai, ki bas misstatement agar dikhta hai, to kya karna chahiye? Bhai, agar tumhare ko bolo jaake management ko, ke correct karo. Karte to achhi baat hai, perform additional procedure. Correct nahi karte, अंडरस्टैंड रीजन, डिटरमाइन द मटेरियलिटी, स्पीक टू TCWG. कोई बोलता है नहीं करेंगे, लिख के दे भाई ऑप्टेन W1. तुमको भी लगता है कि बॉस इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा मटेरियल है, मॉडिफाई द रिपोर्ट. वो भी पॉसिबल नहीं है, विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. सो जस्ट यू हैव टू फ्रेम दिस आंसर. व्हेन यू रीड द ऑथर का बुक और योर टीचर का बुक, आपको मोटा मोटा यही दिखेगा. सो ये पॉइंटर्स है खाली आपको क्लिक करने के लिए एग्जाम में, ठीक है. फिर एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, what are the circumstances that leads the auditor to evaluate misstatements to material even if they are lower than the materiality for the FS as a whole? Matlab individually wo material hai, but FS as a whole ke liye wo thoda sa kam material hai, theek hai. kaun kaun se? to dekho 5 mark ka mera answer aata hai, bhale aap old syllabus ho ya new syllabus ho, 4 se leke 5 mark ka answer aata hai, theek hai. so mota mota apne ko ye akka lagane ka hai ki bas apne ko ek page bhar kar aane ka hai wahan par, theek hai. Now, I read the misstatements. So, when I read the misstatement, it is SA-450. Now, we will copy the again question. Circumstances that leads auditor to evaluate misstatements to material even if they are lower than the material for the FS as a whole. 7 points. Number one, it affects the ratios. It affects the ratios used to evaluate entities' financial position results of operation. Because ratios ko affect kar raha hai. Number two, it relates to the items involving particular parties. Example, related party ke liye kuch hai. So, FS as a whole mein material nahi hai, par wo individual item mein material hoga. Third, affects segment information, affects compliance with regulatory requirements, affects compliance with debt covenants or other contractual requirements. Matlab loan wale jo hote hai wo. Then, has an effect of increasing management compensation, affects other information that will be communicated as per SA 720. So, ye 7 point hai, isko aapko rata marna padega, ye ek answer hai. So, is SA 450 par do question aa sakte hain. Ek procedure bataiye misstatement ko theek karne ke liye. Dusra, lower than materiality, matlab FS as a whole se jo lower hai, uska answer bataiye. समझा आपको? जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन. सो विद दिस SA-450 इज फिनिश. नेक्स्ट SA इज मेरा SA-299 जॉइनर ऑडिटर्स. वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये रिपीट होता है. सो SA-299 गाइस इट्स वेरी रिपीटेटिव, एग्जाम में आता ही है, मान के चलिए, ठीक है. तो आपको इसको मैं मतलब समझा देता हूं. आपको अपने टीचर की बुक से इसको आंसर याद करना होगा. SA-299 जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है. अब सुनो, एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक हमारी है
सब्सिडरी, ब्रांच, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, कुछ रिलेटेड कंपनी है, ब्रांच, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, और तुम करो बेबी लिमिटेड, बेबी इज माई वाइफ, ठीक है, हसो मत, बेबी लिमिटेड, बेबी लिमिटेड, ठीक है। सो बेबी लिमिटेड को बोला जाएगा, ऐसे की भाषा में उसको अपन कहते हैं कंपोनेंट्स, क्या कहते हैं उसको अपन, कंपोनेंट्स। सो मेरी कंपनी का एक ऑडिटर है, बेबी की कंपनी का भी एक ऑडिटर है, एबी की कंपनी का एक ऑडिटर, बेबी की कंपनी का एक ऑडिटर, दो ऑडिटर, कौन सा ऐसे लगेगा, ऐसे 299 इज रॉन्ग, वहां पर लगेगा ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, क्या लगेगा वहां पर, ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो सर ये ऐसे कब लगेगा भैया, जब एक ही कंपनी का एक से ज्यादा ऑडिटर होंगे, जब एक ही कंपनी के जब एक से ज्यादा ऑडिटर होंगे तो कौन सा ऐसे लगेगा, ऐसे 299 जॉइंट ऑडिटर्स, कौन सा ऐसे लगेगा, ऐसे 299 जॉइंट ऑडिटर्स। द बेस्ट एग्जांपल इज रिलायंस लिमिटेड, ठीक है। सो रिलायंस के एक से ज्यादा ऑडिटर है, सर क्यों एक से ज्यादा ऑडिटर चाहिए भैया, बिकॉज ऑफ दी वॉल्यूमनस वर्क, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, हाथी है, हाथी रिलायंस, आई मीन बहुत सारी और कंपनीज के भी जॉइंट ऑडिटर्स है हमारे सामने, जो बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज रिलायंस लिमिटेड, ऐसे 299 जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है। तो सर ये काम कैसे करेंगे, दे हैव टू डिवाइड द वर्क, सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ डू दे डिवाइड, दे कैन डिवाइड एज पर पीरियड, एक क्वार्टर, दे बोलते हैं सेकंड क्वार्टर लूंगा मैं, पूछा बोलते मेरे को तीन क्वार्टर लगेगा, सर चौथा क्वार्टर मिल बैठेंगे तीन यार। नंबर टू, एज पर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि बॉस आई एम गुड एट वैल्यूएशन, सो आई वुड वेरीफाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ओके। एक बोलता है कि बॉस आई एम गुड एट कंपनीज एक्ट, तो ही वेरीफाई कंपनीज एक्ट के मैटर्स, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। एज पर जियोग्राफिकल लोकेशंस, अखा वेस्ट इंडिया तेरे को दिया, मयंक देव तेरे को अखा नॉर्थ इंडिया दिया, पूजा तेरे को अखा साउथ इंडिया दिया। सो एज पर जियोग्राफिकल लोकेशंस, एज पर सेगमेंट्स, सेगमेंट रिपोर्टिंग से बन करते, ठीक है, वो कर सकते हैं। एज पर एरियाज और कंपोनेंट्स ऑफ एफएस, फॉर एग्जांपल एक को एसेट दे दिया, एक को लायबिलिटी दे दिया। सो एग्जाम में दो मार्क का, तीन मार्क का छोटा सा किसी बड़े क्वेश्चन में घुसेड़ दे इंस्टीट्यूट कि बताइए वो लोग वर्क डिवाइड करेंगे, यस दे हैव टू डिवाइड द वर्क एज पर पीरियड, एज पर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, एज पर कंपोनेंट्स ऑफ एफएस, ज्योग्राफिकल लोकेशंस, एज पर सेगमेंट्स, एंड दे ऑल्सो हैव टू डॉक्यूमेंट दिस, क्योंकि कल को के लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये अपने टीचर की बुक खोल लीजिए, उसमें आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेटिव है, आई से जनरली यही आंसर पूछता है, ये आंसर उसका नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो पूछता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जॉइंट एंड सेवरल एंड एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए भैया, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए जो जिनका काम जो दिया हुआ है, तुमको असेट दिया वेरीफाई करने के लिए मयंक, तो तुम्हारा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके प्रति ऑडिट प्रोग्राम तुम करोगे, उसके प्रति वर्किंग पेपर्स तुम संभाल के रखोगे। सो फॉर द वर्क विच इज डिवाइडेड, उसके लिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर द वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, फॉर द ओपिनियन, जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटायर एज पर FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, वो तो मैनेजमेंट बना देगा, उसको पूरा अच्छे से वेरीफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉइंट एंड सेवरल। So, जो एक आंसर है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको टीचर की बुक से पढ़ना होगा, ठीक है। उसमें एक और आंसर होता है ओपिनियन वाला आंसर, दिस आल्सो इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टिव टीचर की बुक में इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क लीजिए, ओपिनियन वाला आंसर। जनरली ऑल द जॉइंट ऑर्डर्स कमेट यूनानिमस ओपिनियन, जनरली ऑल द जॉइंट ऑर्डर्स कमेट यूनानिमस ओपिनियन, हाउएवर इफ देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अ जॉइंट ऑर्डर हु इज डिसएग्रीइंग कैन गिव अ सेपरेट ओपिनियन टू अ सेपरेट रिपोर्ट। Generally, all the joint auditors come to a unanimous opinion. Unanimous मतलब क्या, सबका एक मिलकर ही opinion आएगा. But if there's a disagreement, one joint auditor can give a separate opinion to a separate report. समझा आपको चीज़ ये? So बस इस पूरे essay 290 में दो answer important है. एक तो responsibility of joint auditors, number two opinion वाला answer. तो जिस भी teachers आपने पढ़ रखे उनकी book में उसको तारा मार दीजिए, star मार दीजिए. यही repeat होता है. I think पिछले time में भी यही आया था. I don't remember the exact syllabus कौन सा था, but ये आया हुआ है exam में. Essay 299 joint auditors. ठीक है। अच्छा, जो लोग ये देख रहे होंगे क्वेश्चन 49 पेज 20 ऑफ एसे बुक एंड क्वेश्चन 50 ऑफ एसे बुक, बिकॉज़ आई वाज टीचिंग माय बुक, तो ये उस बुक का होगा, आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर की बुक में उसको मार्क कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एसे,
नेक्स्ट एसे टॉक्स अबाउट एसे 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन आईसीएस टू टीसीडब्ल्यूजी. बहुत सिंपल है, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन आईसीएस टू टीसीडब्ल्यूजी. टीसीडब्ल्यूजी मतलब दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस. अब ये होता क्या है, ऐसे 260 भी है वो भी करेंगे अपन. वो कहता है कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी. 265 सेज कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी आईसीएस टू टीसीडब्ल्यूजी. दोनों में डिफरेंस क्या है, सामूहिक बातें करनी है, सारी बातें करनी है, ऐसे 260 है. तुमको स्पेसिफिक डेफिशिएंसी इन आईसीएस की बातें करनी है तो बस ऐसे 265 है. ठीक है, ये कहता क्या है. सो फॉर एग्जांपल हम ऑडिट करते हैं, हम ऑडिट ही करते हैं, हमारा कोई फर्ज नहीं है सर एफआरएफ बनाने का, हमारा कोई फर्ज नहीं है आईसीएस को इवैल्यूएट करने का, बट हम जब ऑडिट कर रहे थे हमने हमारे ऑडिट के काम में हमने आईसीएस को एक बार देखा सर, देखा, हमको लगा वहां पर कुछ डेफिशिएंसी है सर, सर वहां पर हमको लगा डेफिशिएंसी है और वो हमारे हिसाब से सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है. तो सर मेरे को लगा कि मैं आपको बता दूं, तो सर मैं आपको बोलूंगा नहीं कि वहां पर डेफिशिएंसी है, मैं आपको लिख के दूंगा सर देयर आर डेफिशिएंसीज इन योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड दिस आर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी एज पर माय जजमेंट. There could be more significant deficiency, क्योंकि वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा काम नहीं है. हमको सिखाया गया बचपन से कि बस ऑडिटर का तो एक ही काम है भाई, ऑडिटर का तो एक ही काम है, सारा भंगार काम कौन करता है, मैनेजमेंट. हमारा तो खाली एक ही काम होता है क्योंकि हम तो होते राजा, हमारा तो एक ही काम है क्या करने का, ओपिनियन देने का. सो वेन वी आर गिविंग ओपिनियन वी आर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन, वी आर परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स एंड व्हाइल परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर वी इवैल्यूएट योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. We found certain deficiencies. Those deficiencies were significant as per my judgment. So I'm giving you in writing. Okay, sir, this ye sir deficiency hai, sir, ye hai. Ye deficiency ke chakkar sir, aapko shayad 50,000 rupees ka loss ho raha hai. To mereko meri written communication mein batane ka hai description of deficiency, uska potential effect. Aur ye chilla chilla ke bolne ka hai. Arre sir, oye management, ye jo deficiency hai, ye mere hisab se significant hai. Shayad koi aur bhi ho, wo mereko nahi pata, kyunki mereko sikhaya gaya hai. कि मेरा काम होता है खाली ओपिनियन देना ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर इट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. बस तो जो मैंने आपको कहानी बताई है यही आपको इंग्लिश में लिखने की है. आई थिंक 6 या 5 टेस्ट में आपका आंसर खत्म हो जाएगा. देखो, सो यू हैव टू हंट फॉर द वर्ड कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज आईसीएस, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज आईसीएस. कम्युनिकेटिंग टू डिसेबिलिटी आया तो 260 लग जाता है, deficiency in ICS आया तो 265 लग जाएगा. देखो अभी, if the auditor has identified one or more deficiencies in the ICS, he shall determine whether individually or in combination they constitute significant deficiency. बराबर, he should communicate in writing the significant deficiency in the internal control to TCWG on timely basis. He should also communicate to management that appropriate level of responsibility on timely basis. क्या क्या? Significant deficiency which the auditor has communicated or intends to communicate to TCWG. And other deficiencies in ICS in internal control, okay? In internal control which have not been communicated to management by the other parties and in the auditor judgment are of sufficient importance to merit the management attention. Okay, sir, हमारे हिसाब से ये important है. आपको बाकी लोगों ने नहीं बताया है, हम आपको बता देते हैं, ठीक है? In his written communication, he shall include क्या क्या? Description of deficiency and their potential effect. And the purpose of his audit was to express an opinion on FS, but the audit included consideration of internal control relevant. The preparation of FS and is not responsible and is not responsible and is not responsible to express opinion on the effectiveness of internal control. क्योंकि वो तो management का काम होता है. The matters reporting being reported are limited to those deficiencies which the auditor has identified during the audit and has conducted, sorry, and has concluded that these are of sufficient importance to merit the attention of TCWG. ये मेरे हिसाब से सर important है. हम लोगों ने जब audit किया था हमको ये मिला था, ये मेरे को लिख के देने का है. समझा आपको? कौन सा ऐसे किया अपन? ऐसे 265. गाइस अपन 3 ऐसे कर लिए. ऐसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट. नंबर 2 ऐसे 299 जॉइंट ऑडिटर्स. नंबर 3 ऐसे 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन आईसीएस टू टीसीडब्ल्यूजी. कूल, ग्रेट. एक बार इसको फट से पढ़ लीजिए, एक बार प्लीज पढ़ लीजिए फटाफट.
सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एसए 250 कम्युनिकेशन विद डोर चार्ज विद गवर्नेंस. ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी. जो रूटीन काम करते हैं उनको अपन बोलते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के ऊपर जो एक सुपरवाइजरी बोर्ड बोल दीजिए आप उसको, या आप उसको डोर चार्ज विद गवर्नेंस बोल दीजिए, या इन सिंपल वर्ड अपन उसको बोलते हैं ऑडिट कमेटी. ठीक है, तो अपने को जो कम्युनिकेट करना है वो किसको करना है, डोर चार्ज विद गवर्नेंस को. तो पहले उसको अपन डिफरेंस समझ लेते क्या होता है. Now, TWG का मतलब क्या होता है, पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी. यहां पर लिखा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस. ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो तो उनको क्या बोलते हैं, TWG बेसिकली अपना सरल भाषा में ऑडिट कमेटी. मैनेजमेंट पर्सन विद एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, डे टू डे का काम करेंगे फॉर एंटिटीज ऑपरेशन, उसको क्या बोलेंगे अपन मैनेजमेंट. द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट पर्सन टू हुम द कम्युनिकेशन इज मेड. हमेशा ध्यान रखना आपको जो कम्युनिकेट करना है वो आपको राइटिंग में करना है. हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो अर्जेंट मैटर होगा आप उसको ओरल भी कम्युनिकेट कर सकते हो, बट सर ध्यान रखिए ओरल जो आपने कम्युनिकेट किया आप उसको बाद में डॉक्यूमेंट करोगे. तो हमेशा राइटिंग कम्युनिकेशन प्रिफरेबल. इस ऐसे में दो क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन वॉट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड एंड दूसरा वॉट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ये दो क्वेश्चन रिपीटेटिव है. Matters to be communicated and practice affecting mode of communication. Let's discuss. Matters. Sir, mera kya responsibility? Aray, auditor ka sir, mera kya responsibility? So, auditor bala ka sir, mera kya responsibility? Sir, mera scope of audit bata dijiye, mujhe kya kya check karna hai? Sir, scope of audit bata dijiye. Achha, humne jab audit ki, what are the significant findings? With regards to accounting estimates, accounting policies. And mera favorite, other significant matters. Aur ek, statement with respect to compliance. Statement with respect to compliance of independence. कि मैंने इंडिपेंडेंस पूरा फॉलो किया है, ये चार बातें मैं कम्युनिकेट करूंगा, ये हो गया मेरा मैटर्स. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन. एक कंपनी रिलायंस लिमिटेड एबी लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड एबी लिमिटेड, तुम्हारा कम्युनिकेशन फास्टर किसमें होगा, रिलायंस में. क्यों, साइज ऑफ द एंटिटी. रिलायंस में पूरा हिरार्की फॉलो करना पड़ेगा. मुकेश अंबानी से बात करेंगे, अपना मुखिया उससे बात करना है, तो डायरेक्टली जाके बात नहीं करोगे, उसकी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट मिलेगा, पूरा हायरार्की फॉलो करेंगे, तब जाके अपन रिलायंस में बात कर पाएंगे. तो उसका लीगल स्ट्रक्चर, एंटिटी का लीगल स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, फिर दूसरा, मैनेजमेंट के आप जनरल पर्पस एफएस बनाते हो या स्पेशल पर्पस एफएस बनाते हो. जनरल पर्पस एफएस मतलब क्या, नॉर्मल आप स्टार्ट ऑडिट. स्पेशल पर्पस एफएस मतलब क्या, सर आप उसके वैट ऑडिट, वैट बंदों का जीएसटी ऑडिटर, आप उसके स्टॉक ऑडिटर हो. सो अगर आप स्पेशल पर्पस ऑडिटर हो तो कम्युनिकेशन कम होगा, अगर आप उसके जनरल पर्पस एफएस ऑडिट बनाते हो तो बस आप सारा दिन वहीं पड़े रहते हो तो कम्युनिकेशन फास्टर हो जाएगा. अच्छा, तीसरा, टीसीडब्ल्यूजी बोलते हैं हमको बार बार मिलने का, आपका आपसे ऑडिटर आपसे मिलने का है, सो टीसीडब्ल्यूजी भी इन्वॉल्व है आपके साथ मीटिंग वीटिंग करने के लिए, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा आपका वहां पर. चौथा, आप मैनेजमेंट को बोलते सर आपका आईसीएस वीक है, वो आपकी बात सुन लेता है, फिर कुछ और सजेशन देते हो वो सुन लेता है, तीसरी बार और कुछ देते हो सुन लेता है, सो आपकी बात मान रहे हैं तो आप और कम्युनिकेट करोगे. आपने एक बार सजेशन दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार सुन ही नहीं रहा सारा, तो आप कम्युनिकेट नहीं करोगे. पांचवा, आपने टीसीडब्ल्यूजी को बोला अरे सर आईसीएसबी के कुछ कर लीजिए, जिसको बोला वो कंपनी छोड़ के भाग गया, दोबारा बोला वो भी कंपनी छोड़ के भाग गया, तिबारा बोला वो भी कंपनी छोड़ के भाग गया, चौबारा बोला वो भी कंपनी छोड़ के भाग गया. अबे बार बार हम बोल रहे हैं वहां पर चेंज हो रहा है गवर्निंग बॉडी में, आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं, कितनी बार करोगे, सो इट विल अफेक्ट योर कम्युनिकेशन. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले दो क्वेश्चन, व्हाट आर द मैटर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन. ठीक है, पहला, सॉरी, व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन. पहला, सर आप हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू एफएस ऑडिट. नंबर टू, व्हाट आर द स्कोप एंड द टाइमिंग ऑफ ऑडिट. नंबर थ्री, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मटेरियल वीकनेस इन आईसीएस एंड अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स. चौथा, स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस. तो चार है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एफएस ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद रिगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस. ये चार. प्रोसेस, ही शुड कम्युनिकेट इन राइटिंग व्हेन द ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट एडिक्वेट एंड ऑन टाइमली बेसिस. ठीक है, इतना पार्ट ये मेरा कुछ काम का नहीं, इससे मैं कोई आंसर अफेक्ट नहीं होता है. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, क्या क्या है देख लो अभी, साइज एंड द ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी. In case the auditor special purpose for FS, whether the auditor also audit the entities general purpose FS, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा आपका. तीसरा, requirement of TCWG including arrangement made for periodical meetings. ठीक है, तो आप ज़्यादा interested होंगे communicate करने में.
द अमाउंट ऑफ ऑन गोइंग कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड द डायलॉग द ऑर्डर हैज बी सब्लू जी, कितना वो इंटरेस्टेड है मीटिंग मीटिंग करने के लिए, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा आपका. एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी, तो यहां पर भी आपका कम्युनिकेशन फास्ट होगा. सो बेटा दो क्वेश्चन, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट एसे 210, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, क्या बोलते हैं उसको अपन, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. सो बेटा इसमें ना तीन क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में जनरली फाइनल सेम में दिखते हैं, ठीक है. सो आप भले आप ओल्ड सिलेबस हो भले आप न्यू सिलेबस हो, इसमें तो तीन क्वेश्चन दिखेंगे. सो अपने टीचर की बुक में से 210 में आ जाइए. तीन क्वेश्चन, पहला व्हाट इज द कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट लेटर, कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट लेटर. 210 तब एप्लीकेबल होता है अगर क्वेश्चन में बोला है यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑल्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, हिंट होगा यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑल्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. सो बोलते बताइए कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर क्या आएगा, भाई तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा क्या क्या काम है बता दीजिए, स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है. अच्छा फिर ऑडिट में हम कहां कहां रोक वोक लगाएंगे वो बता दीजिए हमें, तुम कहां कहां को अलाउ करोगे जान के लिए आने के लिए, यहां नहीं दिखने का नहीं वो दिखने का नहीं, ये फैक्ट्री में नहीं जाने का, डायरेक्टर से नहीं मिलने का, जो जो रोक लगाओगे वो बता दीजिए मुझे. तू मेरे को सब लिख के दोगे इंग्लिश में, उसको बोल दे अपन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बराबर. और तुम एंगेजमेंट लेटर पे अपना रिस्पॉन्स अप्रूव करते हो ना, आप उसको एक्नॉलेज करो, थप्पा मार के दोगे ये मेरे को लिख दीजिए, उसको बोल दे कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट लेटर क्या क्या, स्कोप ऑफ ऑडिट विद रेफरेंस टू लॉ, कौन सा लॉ, कंपनीज एक्ट 1956-2013, बैंकिंग के लिए बैंकिंग का लॉ, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस का लॉ, कौन कौन से ऐसे फॉलो करेंगे एंड अपना कोड ऑफ एथिक्स. फिर लेटर ऑफ वीकनेस इन ICS, व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, व्हाट आर प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, मैनेजमेंट विल प्रोवाइड द मैनेजमेंट आई मीन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस एंड अ रिक्वेस्ट टू एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ एंगेजमेंट लेटर, चार मार्क आंसर, व्हाट आर द कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट लेटर. नंबर टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी रिपीटेटिव है, सिचुएशन में एंगेजमेंट लेटर इज रीइश्यूड. सो जनरली कैसा होता है कि एक ही बार एंगेजमेंट लेटर दे देते हैं, फिर वो सालों साल चलता रहता है. कहानी ये आती है, क्वेश्चन ये आता है, सर आप बताइए कि कब कब हम एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करेंगे. सर सदियों पहले दिया था तब 1956 फॉलो होता था, अब 2013 फॉलो होता है, चेंज इन लॉ. सर पहले ऐसे 700 बनाते थे, 705 के थ्रू आप रिपोर्ट बना के देते थे, अब ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हो गए क्योंकि ऐसे रिवाइज हो गए, चेंज इन ऐसे. सर पहले शेड्यूल 6 बनता था, अब इससे शेड्यूल 3 बनता है, तो चेंज इन FRA, तो चेंज इन लॉ, चेंज इन ऐसे, चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, चेंज इन FRA, चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन ओनर्स, सर चेंज हो सकता है वहां पर. अच्छा तो सर हम कुछ और कह रहे थे, हम समझ कुछ और रहे, आप कुछ और कह रहे, समझ कुछ और रहे, सो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वहां पर, तो हमको लेटर रिवाइज करना पड़ेगा वहां पर. सो देखो एंटिटी मिसअंडरस्टैंडिंग द स्कोप, फिर चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन बिजनेस, चेंज इन लॉ, चेंज इन एफआरए, चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. भैया चेंज है, चेंज इज वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इज इनएविटेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चिंदगी नहीं करनी है, कॉमा कॉमा करके नहीं लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखना है, ठीक है. आई मीन डॉट 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 मतलब चेंज में पूरा लिख करना, पूरा पूरा लिख करना, ठीक है. तीसरा भैया ये भी रिपीटेटिव, व्हाट इज द ऑडिटर्स ड्यूटी व्हेन द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट चेंज इन टर्म्स. अब क्या हुआ जल्दी सुनना, पहली बार जब आप ऑडिटर बन के टेबल पे बैठे थे, मैनेजमेंट ने कहा, आई मीन आपने मैनेजमेंट से कहा कि सर आप हमें पूरा एक्सेस दोगे बुक्स का, अब हमें अपनी ब्रांच ब्रांच विजिट करने दोगे, आपकी ब्रांच सर लंडन वंडन में है तो सर आप हमें वहां जाने दोगे, ठीक है. मैनेजमेंट बोलता है सुन राजा सुन, नहीं तेरे को हमको देखो इंडिया का बुक देखने, देख तू लंदन वंदन विजिट नहीं करेगा. मैनेजमेंट ने आपका हक रोका, अगर वो हो गया रोका तो आपका हक रोका, आपका तो हक था लंदन जाने का, ब्रांच विजिट करने का, आपका हक रोका, रोका तो वो क्या हो जाएगा, रोजा. रोजा मतलब क्या, रेस्ट्रिक्शन स्कोप ऑफ ऑडिट. तो हमको क्या करना चाहिए, हमको करना चाहिए अमर. क्या करना चाहिए अपने को, अमर मतलब क्या, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट. क्या करना चाहिए अपने को, अमर, ऑडिटर शुड मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट. बट इस कहानी में आप अमर नहीं करोगे, अमर तब करते हैं जब आप ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हो. यहां पर जब क्लाइंट और ऑडिटर टेबल पे बैठे हुए थे, मतलब यू हैव बीन यू वर गेटिंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर द फर्स्ट टाइम,
सो आपको अमर करने का हक मिलेगा ही नहीं। अमर करने का कब मिलेगा भैया, जब आप ऑडिटर अपॉइंट कर देते हो। तो सर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, तुमने जो जो कहा किसी को लंदन जाने का, लंदन बांग्लादेश जहां जाने का जाओ, हम सारा बात तुम्हारा मानते हैं, मैनेजमेंट ने आपकी सारी बातें मान ली। ईयर टू आया मैनेजमेंट आपके पास है, बोला अरे देख ऑडिटर सुन, तू राजा, तूने पिछले साल जो बोला मैंने सुना, तेरे को किया ब्रांच ट्रांजिट करने दिया, सब कुछ किया, तुम्हारा खर्चा सब बैर किया, भाई इस साल मत जा तू, इस साल ब्रांच विजिट मत कर। तो मैनेजमेंट ने आपका हक रोका, बेटा रोका तो रोजा, रोजा तो क्या करेंगे अपन, सर अमर कर देंगे, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट। बट भाई अमर करने से पहले अंडरस्टैंड द रीजन, अंडरस्टैंड द रीजन। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑलरेडी डिस्कस्ड एंगेजमेंट, यू शुड अंडरस्टैंड द रीजन। इफ द रीजन इज जस्टिफाइड, बोलता रहे वो ब्रांच में क्या था, हमारी फैक्ट्री में आग वाग लग गई थी और वो फैक्ट्री खत्म हो चुकी है, उसकी फायर की रिपोर्ट हम आपको दिखा देते, आप देख लीजिए उस चीज को, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट, फायर की रिपोर्ट। सर रीजन इज जस्टिफाइड, रीजन इज जस्टिफाइड ना, तो यू शुड डिटरमाइन द इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। इफ द रीजन इज अनजस्टिफाइड, अरे सर बहुत खर्चा कर दो सर, तुम लोग हम आपको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे सर, ब्रांच विजिट मत कीजिए, दैट इज अनजस्टिफाइड रीजन। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द ऑडिटर ड्यूटीज व्हेन द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट इज चेंज इन द टर्म्स। पहला, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द रीजन फॉर चेंज इन द टर्म, इफ द रीजन इज जस्टिफाइबल द ऑडिटर शुड मे एक्सेप्ट द न्यू टर्म एंड डॉक्यूमेंट द सेम एंड ही शुड एंटर इनटू अ रिवाइज्ड लेटर ऑफ एंगेजमेंट। इफ इट इज नॉट जस्टिफाइबल, द ऑडिटर शुड रेफ्यूज टू एक्सेप्ट द चेंज ऑफ मैनेजमेंट, आई मीन शुड रेफ्यूज टू एक्सेप्ट द चेंज एंड इफ मैनेजमेंट डज नॉट परमिट टू कंटिन्यू, ही शैल कम्युनिकेट टू शेयर होल्डर्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आई मीन रेगुलेटरी अथॉरिटी, और ही शुड विदड्रॉ एंड शुड कम्युनिकेट विद DCWG। ठीक है, जस्टिफाइड है, नॉन जस्टिफाइड, तो आपको कहानी में बता दिख जाएगा कि वो जस्टिफाइड है कि नॉन जस्टिफाइड है। तो बॉस पूरे ऐसे में आपके पास तीन क्वेश्चन थे, कौन कौन से, कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर, चेंज इन टर्म्स में क्या है, और दूसरा क्वेश्चन सिचुएशन व्हेन द एंगेजमेंट लेटर नीड्स टू बी रिवाइज। ठीक है, तीन क्वेश्चन आते हैं ऐसे 2-10 पर, फट से इसको रिवाइज कर लीजिए जल्दी। So the next essay, what is starting is essay 250. Again important. It says consideration of laws and regulations in audit of FS. Consideration of laws and regulation in audit of FS. ठीक है? So इसमें main बड़े वो है law. So कहानी दिखेगी आपको या तो PF की कहानी दिखती है या child labour की कहानी दिखेगी. ठीक है? PF की कहानी और child labour की कहानी. तो इसके भी दो क्वेश्चन हैं, एक है प्रोसीजर्स और एक है रिपोर्टिंग। रिपीटेटिव जो है वो है रिपोर्टिंग का पार्ट।
रिपीटेटिव जो है वो रिपोर्टिंग का पार्ट। अब सुनो, सो कहानी सुन लेते हैं, फिर अपन इसको शीट से फटाफट एडिट कर लेंगे। सो कहानी ये होती है, कहानी में इंश्योर बोलेंगे भाई कंपनी है, कंपनी ने कुछ लेबर का कुछ लेबर लॉ का उल्लंघन कर रखा है, चाइल्ड लेबर का उल्लंघन कर रखा है। मैनेजमेंट कहता है अरे नहीं नहीं भैया तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम तो स्टार्ट ऑडिटर हो, यू विल डील फाइनेंशियल फिगर्स, तो तुमको क्या करने का, एनवायरमेंटल लॉ हमने कॉन्ट्रावेंट किया, चाइल्ड लेबर कॉन्ट्रावेंट किया, पीएफ कॉन्ट्रावेंट, तुमको क्या करने का, तुमको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने का, तुम तो राजा हो ना एफएस के, तुम तो पीएनएल बैलेंस शीट देखोगे, तुमको क्या करना है सब चीजों से। बात तो सही है, तो तुम कहानी बोलोगे आप जनरली, जनरली तुम मुझे बताओ एज एन ऑडिटर क्या तुमको सारे लॉ आने चाहिए, क्या तुमको सारे लॉ आने चाहिए बच्चों? सर देखो आते तो नहीं है अपने को, सारे लॉ तो आते नहीं है, बराबर सर, बराबर सर, आने तो चाहिए क्यों? अरे राजा पीएनएल में तुमको पीएफ दिखा, टू ग्रेचुटी दिखा, टू कस्टम ड्यूटी दिखा, तुम क्या बोलोगे अरे सर ये तो मेरे को आते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं तो फाइनल से मैं ऑप्शन में लेके गया था, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना स्टार्ट ऑडिटर। तो लॉ क्या कहता है, जनरली द ऑडिटर शुड हैव नॉलेज अबाउट ऑल द एक्ट्स। सी प्रैक्टिकली व्हेन वी से ऑल दिस थिंग्स, सो प्रैक्टिकली हर कंपनी के अलग अलग कंसल्टेंट्स होते हैं, जीएसटी कंसल्टेंट अलग होगा, वहां पर कस्टम वालों का अलग कंसल्टेंट, पैमा का अलग कंसल्टेंट होगा, पीएफ के अलग कंसल्टेंट होगा, मतलब बिग कॉर्पोरेट्स, ठीक है। बीइंग द स्टार्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी यू शुड हैव नॉलेज अबाउट ऑल दैट व्हिच अफेक्ट्स योर एंटिटी, जहां पर आप स्टार्ट ऑडिटर हो। फिर तुम मुझे बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ के कंप्लाई करने की? सर अपन स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि क्या सारा भंगार का कौन करेगा, मैनेजमेंट, कौन करेगा, मैनेजमेंट। तो सर कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब ऑडिटर चुप बैठेगा उसका कुछ काम नहीं है, नहीं। सो प्राइमरी ड्यूटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। हाँ बट अगर ऑडिटर को पता है कि वो लॉ कंप्लाई नहीं कर रहा है, सो ऑडिटर का काम है उसको जाके बताओ कि भैया अगर तुम कंप्लाई नहीं करोगे तो तुमको मॉनिटरी पेनल्टी तो लगेगी लगेगी, साथ में 3 नाइट 4 डे का स्टे मिलेगा, फ्राइडे चेक इन मंडे चेक आउट, इम्प्रिजनमेंट भी होगा। तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि बॉस अगर आप लॉ कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो सर आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा आपको मैनेजमेंट से बात कर लेना चाहिए, मैनेजमेंट से अगर बात नहीं सुन रहे तो आपको ऊपर वाले बोर्ड से बात करना चाहिए, ऊपर वाला बोर्ड मतलब कौन, दोस्त विद गवर्नेंस, अरे वो भी नहीं सुन रहे। लॉ का एक्सपर्ट, लॉ का होशियार इंसान कौन होता है, लॉयर, बुलाओ उनको भैया, महान लोगों को लॉयर से बात कीजिए, यू शुड ऑब्टेन लीगल ओपिनियन। ये हो गया मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसीजर। अगर क्वेश्चन आता है रिपोर्टिंग पर, रिपोर्टिंग पर, ठीक है बाबू, अरे क्या हो गया इसको यार बाबू, जूम नहीं हो रहा यार, ये हो गया सॉरी। सो अगर क्वेश्चन आता है रिपोर्टिंग पर तो सर क्या करना चाहिए? सो बेसिकली हमको किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता नॉन कंप्लायंस, बट स्टार्ट ऑर्डर ऑफ महान इंसान तो बहुत 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 जिम्मेदार तुम्हारे कंधों पर, तो सबसे पहले यू विल रिपोर्ट इट टू दोस्त आज विद गवर्नेंस। अरे सर सुन लीजिए, मैनेजमेंट भाई लॉ कंप्लाई नहीं कर रहा है, अगर ये लॉ कंप्लाई नहीं करेंगे तो सर आपको मॉनिटरी पेनल्टी लगेगी, साथ में आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। ये सर तुझे बोला रे हमको पता है, अपने को मत सीखा, चल ये और हम लोग को मत सीखा तू, तो मतलब टीसीडब्ल्यूजी भी नहीं सुन रहा है, कम्युनिकेट टू द सुपरविजरी बोर्ड, वो भी इन्वॉल्व, वो भी नहीं सुन रहा है, मतलब टीसीडब्ल्यूजी एंड सुपरविजरी बोर्ड बेसिकली सेम लेवल पे होता है, अगर वो अलग अलग लेवल डिवाइड कर रखा है, कंसीडर उनका जाके बात कीजिए, वो भी नहीं सुन रहे, ऑब्टेन लीगल ओपिनियन, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला पार्ट, तुमको अपने मालिक से बात करना पड़ेगा, ऑर्डर का मालिक कौन, शेयर होल्डर, मालिक हो गया कान में जाके बोलेगा ए सुनना, वे लोग नहीं सुन रहे, लॉ नहीं फॉलो कर रहे। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में क्या किसे बोलेंगे अपने को, बॉस अगर आपको दिख रहा है कि वहां पर नॉन कंप्लायंस हो रहा है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज हो रहा है, यू शुड मॉडिफाई द रिपोर्ट। हाउ डू यू मॉडिफाई द रिपोर्ट, इधर यू वुड गिव क्वालिफाइड रिपोर्ट और इधर यू वुड गिव एडवर्स रिपोर्ट, यू वुड गिव क्वालिफाइड रिपोर्ट और एडवर्स रिपोर्ट। ऑल्टरनेट क्वालिफाई कैसे देते हो, अपन ऐसे 700 की सीरीज में देंगे, 705 मिलेगा आपको, ठीक है। सो मटेरियल एंड परवेसिव होता है तो यू गिव एडवर्स ओपिनियन, मटेरियल नॉट परवेसिव होता है तो यू गिव क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। दूसरा सिचुएशन, हम लोग चेक कर रहे हैं वहां पर चेक करते हैं, हम लोग को कुछ ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, सो द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन साई, साई मतलब क्या, सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कुछ एविडेंस नहीं मिले, कुछ। जब भी कुछ एविडेंस नहीं मिलता अपन क्या बोलते हैं, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मतलब क्या, क्वालिफाइड ओपिनियन। बहुत सारे एविडेंस नहीं मिले, बहुत सारे नहीं मिले, तो आप क्या बोलोगे, डू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्या बोलोगे उसको, बन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बट क्यों नहीं मिला एविडेंस, अरे सर साइट नहीं चल रहा है, कैसे डाउनलोड करेगा अपन,
मैनेजमेंट बोलता है कि सर साइट नहीं चल रहा है, कैसे डाउनलोड करेगा, तो दिस इज जस्टिफाइड। सो यहां पर तो आप क्वालिफाइड डिसेबल नहीं दे सकते, सो यू विल कंसीडर इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, कंसीडर इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। बहुत लोचा है भाई, बहुत बहुत लोचा है। फ्रॉड अप्रॉड 143/12 रिपोर्टेड टू सीजी। ध्यान रखना, जनरली हमको डिपार्टमेंट को, कंपनी से वालों को, सीजी को, एमसीए को, किसी को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर लॉ में लिखा हुआ है यू विल कंप्लेन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस। ठीक है, तीसरा आता है व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस। ठीक है, ये भी बहुत रिपीटेड है। सो तुमको पीनल बैलेंस शीट दे दिया गया है, तुम देख के बताओ कि भैया वहां पर नॉन कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, तो क्या चेक करोगे आप? फाइंस और पेनल्टी दिख रहा है, बॉस नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है। नंबर टू, लोन टू कंसोलिडेटेड पार्टी एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे रखा है, बॉस नॉन कंप्लायंस है। कैश में पेमेंट करके आपको पता है तो इनकम टैक्स में 10,000 के ऊपर डिसअलाउ हो जाता है, बॉस नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। लीगल एंड रिटर्नरशिप भी, लॉयर को फीस रखा है, लीगल एक्सपेंस अकाउंट दिख रहा है वहां पर, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, तभी तो लॉयर को अपॉइंट है आप लोग। फिर कंपनीज रजिस्टर्ड टैक्स हेवंस, क्रोशिया हो गया आपका, दुबई बहुत पहले होता था, मॉरिशस पहले होता था, ठीक है, ऑल दोस टैक्स हेवन कंट्रीज। टैक्स हेवन मतलब जहां पर टैक्स बहुत कम होता है, फिर जीरो होता है वहां पर। अनऑथराइज ट्रांजेक्शन और इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर एडवर्स मीडिया कमिंग, तो 4 मार्क का आंसर, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ व्हिच अफेक्ट्स द नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। ठीक है, कुछ नोटिसेस आ रखे, ऑर्डर की कॉपी आ रखे, वो भी लिख सकते हो। कंटिजेंट लायबिलिटी दिख रही है आपको वहां पर फुट नोट में, वो भी लिख सकते हो आप। सो 4 मार्क का आंसर होता अपना ये, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया, आज बाकी रीड कर लेते हैं। पहला आता है प्रोसीजर के पार्ट पे, ऑर्डर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस। ठीक है, यहां पर लिखा नहीं है, ऑफ नॉन कंप्लायंस। Of laws and regulation, or it is not responsible. Baba, kyunki mera koi basic duty nahi hai, mera basic duty hoti hai expression of opinion. Number two, he should obtain general understanding of regulatory framework and how entity complies with con-consul law applicable. Third, he should obtain SAI, evidence with respect to compliance affecting with the laws directly affecting the determination of the amount and disclosure in FS con-consul laws hame hamari entity ko applicable, and perform limited procedure with regards to non-compliance with laws that may affect the FS. He should inquire with the management check correspondence. He should remain alert for doubtful situations alert for doubtful situation or it will attract the penalty. He should obtain working papers with regards to identified non-compliance, suspected non-compliance, communication with TCWG. If he identifies a non-compliance, examine the impact on FS and ask TCWG, and he may consult a lawyer also. So ye ho gaya mera procedure ka answer. 4 mark ka answer ek page aram se bhara jayega. एरो मार्कर मत लिखना एग्जाम में, एरो मार्क करने बाद खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद करने के लिए। एग्जाम में पूरा पॉइंटर फॉर्म में लिखोगे, डिस्क्रिप्टिव में लिखोगे। दूसरा, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग टू टीसीएलबीजी इफ इट इज इंटेंशनल मटेरियल, कम्युनिकेट इमीडिएटली। अच्छा, इफ टीसीएलबीजी इनवॉल्व, कम्युनिकेट टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज सुपरवाइजरी बोर्ड, और ऑब्टेन लीगल ओपिनियन। अच्छा, इन केस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मतलब मेंबर्स को जब कम्युनिकेट करना है, इफ इट इज मटेरियल नॉन कंप्लायंस अफेक्टिंग एफएस, ही शुड गिव क्वालिफाइड एडवर्स रिपोर्ट डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, बट परवेसिव मटेरियल नॉट परवेसिव। In case it is unable to obtain, unable to conclude due to limitation imposed by management or circumstance, he would give mistake number. If he is unable to conclude due to limitation imposed by those situation, management and circumstance. So agar management se hua to he will give qualified or disclaimer report. Circumstance se hua to he should consider the impact on audit report. Aisa aayega. मैनेजमेंट की वजह से हुआ तो कंसीडर क्वालिफाइड एंड डिस्क्लेमर रिपोर्ट, सर्कमस्टेंसेस साइट वाइट नहीं चल रहा है, नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, सो कंसीडर इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। तीसरा, रेगुलेटरी अथॉरिटी, ही शुड कम्युनिकेट इफ इट इज सो रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, अब इट 143/12 है वहां पर, क्लियर। देन व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस, तो ये आपको दिख रहा होगा, हो गया खत्म। ऐसे 250 मेरा खत्म, कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ एफएस। फट से इसको आप रिवाइज कर लीजिए, फट से जल्दी।
सो द नेक्स्ट एसे व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज एसे 510, ठीक है. तो अपने टीचर की बुक में आ जाइए 510 पर. इट सेज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओ ओपनिंग बैलेंसेस. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओ ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है. तो इसमें ना आपको वो इसमें भी बोला ऐसे 210 एंड 510, इन दोनों में बोलते हैं यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है. अब यहाँ पे बोलेगा एक प्रीडिसेसर ऑडिटर था, मतलब प्रीवियस ऑडिटर था, और अभी आपको ऑडिट करने की है. तो बत्ती चलने चाहिए मेरा 510 लगेगा. अब 510 में भी दो आंसर आते हैं जो एग्जाम में आता है. एक आता है बेटा प्रोसीजर के पार्ट का, प्रोसीजर पार्ट का. दूसरा आता है बेटा वो रिपोर्टिंग के पार्ट का, रिपोर्टिंग, ठीक है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रोसीजर्स, तो प्रोसीजर में भी वो आपको तीन चीजें कवर करनी है. पहला आपको बोलना है ओपनिंग बैलेंस, दूसरा बोलना है आपको कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, तीसरे के बारे में बात करना है मॉडिफिकेशन. द बेस्ट पार्ट, ये जो इनकी तीन सब हेडिंग है, यही तीन सब हेडिंग रिपोर्टिंग में काम आएगी आपको. सो पहला बोलता है वो ओपनिंग बैलेंस, दूसरा बोलता है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तीसरा बोलेंगे वहां पर मॉडिफिकेशन की बात करता है. जनरल एग्जाम में जो रिपीटेटिव होता है वो इट्स अ मर्ज ऑफ, आई मीन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस एंड मॉडिफिकेशन के पार्ट पे, भले वो प्रोसीजर की बात करें वो रिपोर्टिंग की बात करें. अपन डिस्कस करते हैं प्रोसीजर पर. ओपनिंग बैलेंस, सो 31 मार्च, अज्यूम 31 मार्च 2019 की ऑडिट किसने कर रखी थी? आपको बोला गया कि आप 1 अप्रैल 2019 से आप ऑडिटर हो गए, तो 19-20 के आप ऑडिटर हो. तो 31 मार्च 2019 का जो बैलेंस है, 31 मार्च 2019 का जो बैलेंस है, क्या मैंडेटरली नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2019 को क्या वही होना चाहिए? हाँ सर, वही तो जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग होगा ना. अरे अगर तुम ऑडिटर हो तो तुमको कैसे पता चलेगा कि वही होगा? सर हमको पढ़ना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जाके लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो. अच्छा, लास्ट ईयर जो अकाउंटिंग पॉलिसी की थी, लास्ट ईयर जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की थी, इज इट मैंडेटरी कि मैं वो इस साल भी वही फॉलो करूं? हाँ सर मैंडेटरी रहा. नहीं राजा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप चेंज तो कर सकते हो ना. हाँ सर, अगर आपने चेंज किया तो आप बताओ, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अपन ने सीखा ना, अगर अपन अगर एएस अकाउंटिंग अगर अपन फॉलो कर रहे तो कोई डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है. हाँ कब डिस्क्लोज करेंगे? जब अपन फॉलो नहीं करें. तीन चीजें बतानी होती थी, द डेविएशन, द रीजन, द फाइनेंशियल इफेक्ट. द डेविएशन, द रीजन, द फाइनेंशियल इफेक्ट. याद ऐसा कुछ है? सर ईयर वन में एक पॉलिसी फॉलो की, ईयर टू में एक पॉलिसी फॉलो की, ईयर थ्री में अलग पॉलिसी फॉलो की, ईयर फोर में अलग पॉलिसी फॉलो की. सर ये नहीं चलेगा. देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी, ठीक है. प्रीवियस ऑर्डर की रिपोर्ट एडवर्स है, इस साल का तुम क्लीन दे सकते हो? नहीं, बिकॉज इट विल बी वर्स, इट वॉज मटेरियल एंड परवेसिव. तो उस परवेसिवनेस के चक्कर में इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस भी घुसा हुआ है, तो उसमें भी गड़बड़ है, तो बॉस आपको उसको असेस करना होगा. अगर अच्छा लास्ट ईयर की रिपोर्ट क्वालिफाई है, लास्ट ईयर की रिपोर्ट अगर क्वालिफाई है एंड आप इस साल के ऑडिटर हो, क्या आप इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन ओपिनियन दे सकते हो? हाँ सर, इसमें दे सकते हैं अपन, अगर वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव तो अपन दे सकते हो वहां पर. सो तीन बातों को ध्यान रखना आपको, ओपनिंग बैलेंसेस, मॉडिफिकेशन की बातें, और अपना कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यही सेम चीज आपको रिपोर्टिंग में काम आएंगे. पहले अपन प्रोसीजर पढ़ते हैं, आ जाओ अभी. सो फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑडिटर शुड रीड द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट. ही शुड ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय कैसे कैसे डिटरमाइनिंग दैट द करेक्ट ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ द प्रायर पीरियड. नंबर टू, डिटरमाइन द एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी. इफ मिसस्टेटमेंट is detected, he should perform additional procedures to determine the effect on current FS. फिर अच्छा, अगर misstatement अभी भी है in the current period, then he should communicate to management and TCRG. तो ये मेरा procedure का part हो गया opening balance के लिए. Generally ये exam में आता है, ठीक है. Consistency के लिए क्या check करेगा? The auditor should check the consistency of accounting policy by obtaining SAI. वापस से वही बोलेगा, with respect to consistency of accounting policies and disclosure for changes. अगर अपन क्या बोलेगा, change होता है तो disclose करना होता है, तो वो भी check करना होगा उसको. फिर मॉडिफिकेशन इन द प्रीडिसेसर रिपोर्ट. मॉडिफिकेशन मतलब एनी ओपिनियन अदर देन क्लीन, दैट मींस क्वालिफाई एडवर्स डिस्क्लेमर. अगर ये कुछ दिखता है तो क्या करने का है? सो आप क्या बोलोगे? ही शुड इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन इन असेसिंग रॉम. बट रॉम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. रॉम का मतलब क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन करंट पीरियड एफएस. समझा आपको चीजें? देन रिपोर्टिंग में अब जान सुना,
वही तीन डिमांडिंग वापस कॉपी करोगे, ओपनिंग बैलेंस, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग बैलेंसेस एंड मॉडिफिकेशन। अब एक एक उठाते अपन, ओपनिंग बैलेंस, ऑडिटर को आपने बोला कि आपको उसको ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई करना है, ऑडिटर को बोला गया कि आप ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई करें, तो मतलब उसको लास्ट का डेटा चेक करना पड़ेगा, उसको लास्ट का डेटा मिला ही नहीं, इज अनेबल टू ऑब्टेन साई, कुछ भी नहीं मिला उसको, कुछ भी नहीं मिला, मतलब उसको भाई कुछ भी नहीं दिखा है, तो बॉस इट इज मटेरियल एंड परवेसिव, कौन सी ओपिनियन, डिस्क्लेमर, उसको कुछ चीजें नहीं मिली है, इट वॉज मटेरियल बट इट वॉज नॉट परवेसिव, कौन सी ओपिनियन दे दोगे आप, क्वालिफाई, मटेरियल बट परवेसिव होता है तो बहुत प्रॉब्लम है, इट इज डिस्क्लेमर, मटेरियल बट नॉट परवेसिव होता है क्या करोगे, क्वालिफाई, ठीक है। देन कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग बॉल्स में क्या लिखना है, अगर इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट, मतलब ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर सब अलग अलग है, या फिर चेंज किया है पर वो डिस्क्लोज नहीं किया है, तो क्या कर देने का आपने, यू शुड गिव क्वालिफाइड और एडवर्स रिपोर्ट, क्वालिफाइड और एडवर्स रिपोर्ट, ठीक है। फिर इसी में ओपनिंग बैलेंस में, इफ इट कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच इज नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड डिस्क्लोज इन एफएस, अगेन आप क्वालिफाइड या फिर एडवर्स कर दोगे, तो क्वालिफाई या तो एडवर्स, यानी अगर डेटा मिलता ही नहीं है तो डिस्क्लेमर आता है, आपने देखा गलती है, कुछ गलती है, क्वालिफाई, बहुत गलती है, एडवर्स, वापस होता है, कुछ गलती है, कुछ गलती है, क्वालिफाई, बहुत गलती है, एडवर्स। फिर मॉडिफिकेशन इन द प्रीडिसेसर ऑडिट रिपोर्ट, इफ द मॉडिफिकेशन रिमेंस रेलेवेंट एंड मटेरियल फॉर करंट पीरियड एफएस, मतलब अगर एडवर्स है पिछले साल का तो बस इस साल उसका इफेक्ट दिख रहा होगा तो आप क्लेम तो दे नहीं सकते हो, ही शुड मॉडिफाई द करंट ईयर रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, ही शुड मॉडिफाई करंट ईयर रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, समझा आपको। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस का प्रोसीजर का पार्ट एंड रिपोर्टिंग का पार्ट, ये एग्जाम में आता है, फट से मिलेंगे 2 मिनट्स टाइम, फट से इसको रिकॉल कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऐसे व्हाट वी आर डूइंग इज ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। अब सुनो ये होता क्या, सो जीसी अजम्पशन हमको वो आई थिंक एएस में तो AS1 में कहा गया है एंड इंडेस में भी आई थिंक इंडेस 1 में ही कहा गया है कि देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। कौन कौन से, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी, आपको ये हर बार फॉलो करना होता है। अगर आप ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो कर रहे हो, सो यू डू यू नीड टू डिस्क्लोज, नो वी डू नॉट हैव टू डिस्क्लोज। हमको कब डिस्क्लोज करना होता है, जब हम इसको फॉलो नहीं कर रहे होते, याद है ऐसा कुछ ही, ये अपन ने बचपन में सीखा हो। सो जीसी अजम्पशन चेक करना, जीसी अजम्पशन चेक करना किसकी ड्यूटी है बच्चों, जीसी अजम्पशन चेक करना होता है बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। हमेशा ध्यान रखना सारा भंगार काम कौन करेगा, मैनेजमेंट, तो द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक जीसी अजम्पशन इज ऑफ द मैनेजमेंट। हाउएवर सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। अब मैनेजमेंट ने अप्रैल से लेके मार्च को इवैल्यूएट किया है, बोला कि हम जीसी फॉलो कर रहे हैं, अब जनरली ऑडिटर को भी वही पीरियड फॉलो करना चाहिए, उसमें उसको चेक करना चाहिए, हो गया अप्रैल में इवैल्यूएट करने को। तो जब मैनेजमेंट ने इवैल्यूएट किया जीसी अजम्पशन फॉलो हो रहा था, तो भैया मैनेजमेंट की तो गलती नहीं है। जब वो अप्रैल में गया, 2-3 दिन अप्रैल को फैक्ट्री में आग लग गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो जो जीसी अजम्पशन था मैनेजमेंट का, उन्हें क्या कहा था, हम तो भैया फॉलो करे, तभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था। अब जो उनका जीसी अजम्पशन था वो हिल गया पूरा वहां पर। सो बॉस नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रिक्वेस्ट टू द मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज
दैट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज जीसी असम्पशन फॉलो नहीं हो रहा है. मैनेजमेंट की गलती नहीं, मे बी शायद कोई सर्कमस्टेंस ऐसे आ गए जिसकी वजह से जीसी असम्पशन हिल जाता मेरा. अब मैनेजमेंट बोलता भैया मैं इवैल्यूएट ही नहीं करूंगा. सो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ने अपनी ली नहीं है. बॉस द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द रिपोर्ट. सेफ खेलने का मॉडिफाई द रिपोर्ट आप होगा उसमें एडवर्स ही, पर आप बोल रहे शुड मॉडिफाई द रिपोर्ट. ठीक है, अब आ जाओ. एक तो ये क्वेश्चन हो गया प्रोसीजर वाला. दूसरा जो एग्जाम में रिपीटेटिव होता है वो है व्हाट आर द फैक्टर्स विच कास्ट डाउट ऑन द गोइंग कंसर्न अजम्पशन. बहुत रिपीटेटिव है. ऐसे नंबर इसका 570. अगर मैं बोलता हूं डाउट तो कौन से फैक्टर्स होंगे बेटा, वो मेरे नेगेटिव फैक्टर. फिर वो एक और ऐसा क्वेश्चन पूछा कभी, हाउ वुड यू इवैल्यूएट या व्हाट आर द सिचुएशन जिससे दिखता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो हो रहा है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो हो रहा है, तो वो कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, वो मेरे पॉजिटिव फैक्टर्स हो जाएंगे. सो जो रिपीटेटिव होता है वो मेरे नेगेटिव फैक्टर्स है. ठीक है, या आपने आईपीसी में पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा ये चीज. ये पहला क्या क्या है, लॉस ऑफ केएमबी बराबर लॉस ऑफ शेयर इन मार्केट की कस्टमर्स. फिर कंटिन्यूअस लॉसेस हो गया, चेंज इन बिजनेस, चेंज इन लॉ. ठीक है, फिर नेगेटिव कैश फ्लोस, नॉन अवेलेबलमेंट ऑफ डेट, कोई भी बैंक वाला आपको उधार दे ही नहीं रहा है वहां पर. लॉस बाय फायर, नेचुरल कैलामिटी, सेल ऑफ सब्सटेंशियल फिक्स्ड एसेट हो गया, एंड कोई लीगल केस, कोई लॉ सूट चल रहा है वहां पर. सो ऊपर नीचे लिख रहा है कॉमा कॉमा करके मत लिखना. अगर पॉजिटिव आता है तो उसका उल्टा कर दीजिए. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमबी फ्रॉम मार्केट, चेंज इन बिजनेस लॉ, पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब लोग फ्यूचर चलना चाह रहे आगे. ठीक है, देन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट हम फ्यूचर में चलना चाह रहे आगे. बजट बना रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रखा है, दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, लोन लिया है बॉस, लोन लिया है मतलब हम आगे चलना चाह रहे हैं. अच्छा, शेयर इशू के मार्केट में हम लोग फ्यूचर में चलना चाह रहे हैं. फिर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस कर रखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रखा है. सो एग्जाम में पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है आपको देखना पड़ेगा. जो रिपीटेटिव है वो 90% नेगेटिव ही आता है. ठीक है, नेगेटिव. नाउ प्रोसीजर, अब प्रोसीजर ध्यान से पढ़ना. सो ये पूरा अगर आता है तो 6 मार्क का 8 मार्क का बड़ा सा आंसर देखिए आपको. सो आप बोलोगे प्रोसीजर टू इवैल्यूएट गोइंग कंसर्न अजम्पशन. पहला, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू असेस द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. पहला मैनेजमेंट जाके इवैल्यूएट करेगा. जनरली जनरल पर्पस एफएस आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस मतलब आपके नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनलेस मैनेजमेंट इंटेंड्स टू लिक्विडेट द एंटिटी और सीज ऑपरेशन. इन केस एफएस आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन जीसी बेसिस द फैक्ट वुड बी अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज. पूरी कहानी गाई अपन ने, जो मैंने आपको बताया कि जीसी असम्पशन मैनेजमेंट का ड्यूटी है फॉलो करने का, इवैल्यूएट करने का. जनरली एफएस उसके हिसाब से बनाए जाते हैं. अगर आप जीसी फॉलो नहीं कर रहे तो आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ये अपन ने कहा हमारा ऑर्डर क्या कर्तव्य है, टू ऑब्टेन साइट विद रिस्पेक्ट टू अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ जीसी असम्पशन. तो जो मैनेजमेंट ने इवैल्यूएट किया है कि वो बराबर है कहीं जाके, आप उसको इवैल्यूएट कीजिए, चेक कीजिए कैसे. यू हैव टू ऑब्टेन साइट, देन आइडेंटिफाई द इवेंट्स दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट्स. फॉर एग्जाम्पल, आपने जब इवैल्यूएट किया और जब मैनेजमेंट इवैल्यूएट किया, दोनों के बीच में कोई इवेंट हो गया जिससे डाउट हो जाता है जीसी असम्पशन पे, आप उसको चेक कीजिए. परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर, कहीं के इफ यू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर देन इफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट बट देयर सर्टन मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट. जीसी फॉलो हो रहा है सर, बट सर जैसे प्लास्टिक वालों को आया था, प्लास्टिक बैन कर दिया सर, अभी बैन नहीं किया, जून से बैन होगा. 31 मार्च को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, जून में बैन होगा वो. आज तो जीसी फॉलो हो रहा है पर भैया जून में वो इवेंट आ जाएगा, वहां पर दिख रहा है ना मटीरियल अनसर्टेनिटी. So, determine whether FS makes a relevant disclosure. Determine whether the FS makes a relevant disclosure. अगर disclose कर रखा है कोई problem नहीं boss, अगर disclose नहीं कर रखा है तो problem है, इसमें लिखा हुआ नहीं है तो problem है. इसके नीचे मैं लिख देता हूं consider the impact on audit report. आप क्या बोलोगे, कंसीडर द इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट. कंसीडर द इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट. और गोइंग अजम्पशन इज इनअप्रोप्रिएट और मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक इट असेसमेंट, कंसीडर इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट. वही सेम लिखा है अपने भी. ठीक है, सो ये हो गया आपका एडिशनल प्रोसेस ये करने के लिए. मैंने एडिशनल क्यों बोला हुआ है, क्योंकि पहले अपन इवैल्यूएट कर चुके, उसके बाद वापस करना है, इसलिए अपन ने बोल रहे हैं हमारा एडिशनल प्रोसीजर. फिर व्हाट आर द स्टेप टू चेक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. अब ये ऑडिटर का कर्तव्य आ गया. ठीक है, ऑडिटर के प्रोसीजर्स, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कवर द सेम पीरियड एज दैट वाज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट, कंसीडर वेदर मैनेजमेंट हैज
कंसिडर ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच द ऑडिटर इज अवेयर. फिर ही विल रिक्वायर द मैनेजमेंट टू मेक द असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. क्या चेक करना चाहिए? चेक मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर, फोरकास्ट कर रखा है, बजट बना रखा है, पॉजिटिव फैक्टर्स, शेयर इश्यू कर रखा है, लोन लिया है. कंसिडर द रिलायबिलिटी ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट. कंसिडर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिंस द डेट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट. मैनेजमेंट ने असेस किया और आपने असेस किया, कुछ इवेंट हो गया था क्या. एंड रिक्वेस्ट WR फॉर फ्यूचर एक्शन एंड प्लान्स. सो एग्जाम में जो आपको बेसिक दिखे ध्यान रखना, एक तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर ड्यूटी, ये दोनों मिला के आंसर आता है जो कहानी बनाकर आएगा. और दूसरा जो है नेगेटिव फैक्टर्स, ये वाला जो आंसर है वो इंपॉर्टेंट है. इसको बोलते हैं अपन SA 570 गोइंग कंसर्न. सो वी आर मूविंग वेरी क्विक वेरी फास्ट. अगेन आई एम सेइंग अगेन अगेन, दिस इज नॉट अ क्लास फॉर अ पर्सन हु इज वॉचिंग हु इज स्टडीइंग SA फॉर द फर्स्ट टाइम. ये उन्हीं के लिए जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने अटेम्प्ट दे रखा है, उनको क्विक रिकैप चाहिए, उसके लिए है. फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन बॉस आप किसी भी टीचर का रेगुलर क्लास लीजिए, रेगुलर बुक से पढ़िए. मैं वापस बोल रहा हूँ बस, ये खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पॉइंटर्स है, क्विक रिकैप के लिए. ठीक है, कूल, गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम. फट से ऐसे 570 रिकॉल कर लीजिए जल्दी से. सॉरी. चले आगे आ जाओ अभी. सो द नेक्स्ट वन व्हाट वी आर डूइंग इज SA 501. इसको बोलते हैं अपन ऑडिट एविडेंस
स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स. क्या बोलेंगे उसको? ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स. वापस बोलते हैं, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स. अब यहां पर तीन आइटम है, कौन कौन सी? पहली है इन्वेंट्री, दूसरी है लिटिगेशन क्लेम्स, तीसरी है सेगमेंट रिपोर्टिंग. पहला है इन्वेंट्री, दूसरा है लिटिगेशन क्लेम्स, तीसरा है सेगमेंट रिपोर्टिंग. एग्जाम में जो रिपीटेटिव है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आता है जनरली, वो है इन्वेंट्री का. इन्वेंट्री के आपके तीन चार क्वेश्चन होंगे जनरली, वही रिपीट होते हैं. सो पहला इजी वाला पार्ट कर लेते हैं फटाफट. सेगमेंट रिपोर्टिंग इतना ही बोलना है. अच्छा, दिस एसे इज नॉट ऑन इन्वेंट्री, दिस एसे इज नॉट ऑन लिटिगेशन एंड क्लेम्स, दिस एसे इज नॉट ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग, दिस एसे इज ऑन हाउ यू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस फॉर इन्वेंट्री लिटिगेशन क्लेम्स एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग. आधे लोग को लगता है भैया ये जो ऐसे इन तीन चीजों के लिए, भैया ये ऐसे है ही नहीं उन तीन चीजों के लिए. ये बोलता है कि भाई आप ऑडिट एविडेंस कैसे लेकर आओगे इन तीन चीजों के लिए. ठीक है, पहला है सेगमेंट रिपोर्टिंग, बस सिंपल सा एकदम. द ऑडिटर शुड कलेक्ट द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ. एफआरएफ ने लिखा हुआ है ओल्ड सिलेबस के लिए AS 17 हो जाता है, आई थिंक न्यू सिलेबस है इंड AS 108. चेक कर लीजिएगा एक बार, बिकॉज इंड AS थोड़ा सा वीक है अपना भी. फीलिंग म्यूचुअल नहीं, ऐसा नहीं, तुम लोग का बहुत अच्छा है मेरे को पता है. ठीक है, सो ओल्ड सिलेबस के लिए 17 होता है, इंडिया 108 होता है न्यू सिलेबस वालों के लिए. इतना बोलने खाली. नंबर टू, लिटिगेशन एंड क्लेम्स. अब सुनो, लिटिगेशन एंड क्लेम्स मतलब लीगल केसेस हो रखे हैं, तो आपको एज एन ऑडिटर आपको एविडेंस कलेक्ट करने का है. कैसे कलेक्ट करोगे? सर कोई ऑर्डर की कॉपी होगी, कोई नोटिस की कॉपी होगी, कोई रूल आया होगा, सब वो चेक करना पड़ेगा अपने को. सर अगर आपने मेरे को पीएनएल दिया तो सर वहां पर मुझे लीगल एक्सपेंस अकाउंट दिखेगा, लीगल फीस दिखेगी, फाइन दिखेगा मुझे वहां पर. आपने सर मुझे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया तो मुझे नोट में वहां पर कंटिजेंट लायबिलिटी दिखेगी. तो मतलब कंपनी पर लिटिगेशन क्लेम चल रहा है, वहां पर प्रोविजन पकड़ कर रखे सर ये दिखेगा. अब अगर लिटिगेशन क्लेम है तुमको उसके लिए एविडेंस चाहिए, तुम तो महान इंसान नहीं हो उसके, तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. लीगल केस का महान इंसान कौन? अरे सर वो अपना भाई लॉयर. तो सर उससे अपने को बात करनी होगी. कंपनी का लॉयर कौन है क्या तुमको पता है ये बात? नहीं सर हमको कैसे पता. तो जॉब बात करो किससे? मैनेजमेंट से. मैनेजमेंट हमको तुम्हारे लॉयर से बात करवाओ. दो बातें, मैनेजमेंट बोलते मैं बात कराने के लिए तैयार हूं, अच्छी बात है बात कर लीजिए. मैनेजमेंट बोलते बात करने नहीं दूंगा, प्राइवेट है मेरा, पर्सनल है मेरा, मैं नहीं बात करने दूंगा. क्या तुम्हारा हक है बात करने का? हाँ सर. एविडेंस कलेक्ट करना था. क्या तुम्हारे हक को रोक का? हाँ सर. रोक का तो रोजा, रोजा मतलब रेस्ट्रिक्शन स्कोप ऑफ ऑडिट. क्या करेंगे अपन? अमर. द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट एज पर एसए 705R रिवाइज. ठीक है, रोजा मतलब रेस्ट्रिक्शन स्कोप ऑफ ऑडिट एंड देयरफॉर द ऑडिटर शुड डू अमर. अमर मतलब क्या? द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट. क्लियर इतना चीज. दूसरा सिचुएशन सर, सर मैनेजमेंट ने बात करने दिया लॉयर से, लॉयर को हम बोला भैया सर आइए जरा बता दीजिए ऑडिट एविडेंस की कैलकुलेशन कैसी है, ये कैसे आप स्पीकर को लेकर आइए. लॉयर बोलते हैं नहीं बताऊंगा. क्या आपका हक था जानने का? यस सर. क्या आपके हक को रोका? यस सर. रोका तो रोजा, रोजा तो अमर. क्या कर देंगे? अमर कर देंगे. देखो वही लिखा हुआ है, द ऑडिटर शुड इवैल्यूएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें पीएनएल देखो, ऑर्डर कॉपी लेकर आओ, नोटिस देखो, और क्या लिखा है, आई एम राइटिंग हियर. अच्छा मीडिया, मीडिया मीडिया का कोई कमेंट मिला है? मीडिया 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 कमेंट्स दे. प्रोसीजर, द ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू स्पीक टू लीगल काउंसिल. इफ द मैनेजमेंट अग्रीज यू शुड परफॉर्म प्रोसीजर. इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस यू शुड चेक द रीजन एंड परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर एंड कम्युनिकेट टू TCWG एंड कम्युनिकेट टू TCWG. एंड अगर चाहिए तो भैया वो क्या कर सकता है? वो अमर भी कर सकता है. अच्छा अगर मैनेजमेंट अग्री कर रहा है एंड काउंसिल ऑल्सो अग्री, ही शुड कंसिडर द इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट. बराबर, बट काउंसिल रिफ्यूजेस ही शुड डू अमर. अमर के हमेशा ध्यान रखना एसए 705 ब्रैकेट में आर. अमर बच्चों को नहीं पता, इट इज ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट. द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, लिख दो ना वहां पर, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट. द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट.
देन इन्वेंट्री। अच्छा आप देखो, अगेन दिस इज नॉट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, दिस इज नॉट ऑन वैल्यूएशन, दिस इज बेसिकली इन्वेंट्री काउंट। मेरे को ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना कि इन्वेंट्री बराबर है कि नहीं वहां पर। सो बेसिक ड्यूटी इन्वेंट्री को काउंट करने की, स्टॉक ऑडिट करने की 31 मार्च किसकी ड्यूटी होती है? मैनेजमेंट, बराबर। सो द प्राइमरी ड्यूटी इज ऑफ द मैनेजमेंट, द ऑडिट हैज द सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउएवर ऑडिटर शुड ऑब्जर्व द स्टॉक काउंट, जो मैनेजमेंट फॉलो करता है उसको जाके वहां पर खड़ा रहना चाहिए। बट चार सिचुएशन, पहला इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड स्टॉक काउंट, सर जुलाब लग गया मेरे को तो मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं वहां पर। सो द ऑडिटर इज अनेबल टू स्टॉक काउंट ऑन पर्टिकुलर डेट, जिसे मैनेजमेंट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड सिलेक्ट ऑल्टरनेट डेट, अनदर डेट, एंड इन बिटवीन शुड परफॉर्म कट ऑफ प्रोसीजर्स। सो नाउ गोना कट ऑफ अरेंजमेंट, कट ऑफ प्रोसीजर, बस इतना ही है। द ऑडिटर शुड परफॉर्म कट ऑफ प्रोसीजर, कट ऑफ अरेंजमेंट। अच्छा, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड स्टॉक काउंट ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, सर बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। अरे बाढ़ आ गई भैया, तुम निकले घर से, तुम बाढ़ आ गए वहां पर भैया, कभी ना कभी तो पानी जाएगा ना, चार पांच दिन बाद जाके इवैल्यूएट कर लीजिए। उसको बोलते कट ऑफ प्रोसीजर, कट ऑफ डेट, वो भी सेम आंसर। अच्छा, इफ द इन्वेंटरी इज विद द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी असाइनी को दे रखा है, एजेंट को दे रखा है, कंसाइनी को दे रखा है वहां पर, सो यू शुड ऑब्टेन कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक रजिस्टर एंड फिजिकल वेरिफिकेशन एट थर्ड पार्टीज, फिजिकल वेरिफिकेशन एट थर्ड पार्टीज। और यहां पर लिखो, इसी में आएगा नीचे, ऑब्टेन सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर SA 402, ऑब्टेन सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर SA 402। और यहां से इसको कट कर दीजिएगा, फिर ऑब्टेन सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर SA 402। चौथा सिचुएशन, इफ द अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल। अच्छा, बहुत ही फनी है ये, यही एग्जाम में आता है आपका। इसका क्वेश्चन में बता दूं, न्यू सिलेबस में भी आया था, ओल्ड में भी आया हुआ ये। अरे वो किसी क्लाइंट की इन्वेंट्री है, जो उसकी फैक्ट्री है वो बॉर्डर पे पड़ी है, और ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वॉर वॉर शुरू हो गया, तो भैया वो बॉर्डर पे पड़ी है, मेरा जो ऑर्डर है वो तो बॉर्डर पे जाएगा ही नहीं, तो सर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ, अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल हो तो। एग्जाम में ये रखा है, अगर इम्प्रैक्टिकल तो क्या बोलना चाहिए, ऑडिटर शुड ऑब्टेन एक्सपर्ट, कोई तो होगा जो बॉर्डर पे वेरीफाई करता होगा, ऑडिटर शुड ऑब्टेन एक्सपर्ट एज पर SA 620। बट या फिर फॉर एग्जांपल कोई बायोगैस प्लांट है, बायोफ्यूल प्लांट है, वहां पर जाके इन्वेंट्री काउंट करनी है, ठीक है, केमिकल फैक्ट्री है, वहां जाके इन्वेंट्री काउंट करनी है, मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं तो जमा नहीं करने के लिए, क्या करूं, किसका रोड से काम होगा सर, उसको भेजो, तो कौन जाएगा वहां पर, एक्सपर्ट जाएगा SA 620 लगा के, बट उस पर्टिकुलर एरिया में बायोगैस, बायोकेमिकल, बायोफ्यूल में कोई एक्सपर्ट ही नहीं है, कोई करता ही नहीं उसको इवैल्यूएट, तो सर क्या करना चाहिए, डॉटर शुड डू अमर, अमर एज पर 705 R। बहुत रिपीटेटिव ऐसे है ये, इसमें इन्वेंट्री बहुत रिपीटेटिव है, इसको आप ढंग से अपने टीचर की बुक से पढ़िए। ये चारों सिचुएशन दो दो मार्क की आ सकती है, या दो सिचुएशन तीन तीन मार्क की आ सकती है, अगर 6 मार्क आंसर आता है तो। ये बहुत रिपीटेटिव है, ढंग से पढ़ो SA 501।
आज अभी आगे नाउ वी आर डूइंग एसए 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ठीक है, सो एसए 505 टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन. सो एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज अ मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस, ये आपको पता ही होगा. सो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो तीन चार वराइटी ऑफ क्वेश्चन है जो इस एसए पे इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, ट्रेंड में रहा है वो हमेशा. ओके, सो एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर फैक्टर्स, एक सेकंड रुको, ये रहा इसका प्रोसीजर. सो नेक्स्ट पेज पे आपको इसका प्रोसीजर मिलेगा. सो एग्जाम में जो आता है वो पूरी अगर कहानी बनकर आती है, ध्यान रखना ठीक है, अगर कहानी बनकर आती है पूरी एक्सटर्नल कंफर्मेशन पर, सो आपको ये वाला आंसर लिखना होगा. ना फॉर एग्जाम्पल आपको, आप ऑडिट कर रहे थे वहां पर आपको डेटर से क्रेडिटर से बात करनी है, तो सबसे पहले यू हैव टू डिटरमाइन कि क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है. अब किसी भी क्लाइंट के पास बहुत सारे डेटर होंगे, 100-150 कस्टमर्स होंगे उनके पास, आप सबसे तो बात नहीं करोगे, किससे बात करोगे, आप उन्हीं लोगों से बात करोगे जिनके जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा बड़े होंगे, बराबर, जिनका बैलेंस बहुत आउटस्टैंडिंग होगा. सो वॉट यू विल सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी, देन यू विल डिजाइन द रिक्वेस्ट, यू विल डिजाइन द रिक्वेस्ट एंड देन यू विल सेंड द रिक्वेस्ट. भाई साहब ने जवाब दिया नहीं, देन यू हैव टू फॉलो इट अप आल्सो. तो एक प्रोसीजर का आंसर हो गया. अब कौन सी डेटर कहां रहता है, कौन सा क्रेडिटर कहां रहता है, उसे कंफर्म करने का कौन बताएगा, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट बोलता है ठीक है सही नंबर लीजिए, आई मीन ये चलो बात कर लीजिए इनसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैनेजमेंट मना करता है कि सर आप हमारे डेटा क्रेडिटर से बात नहीं करोगे, आप हमारे लीगल एक्सपर्ट से बात नहीं करोगे, मतलब आप एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन नहीं करोगे, बराबर. तो आपका ग्रो का, सो फर्स्ट डायरेक्टली अमर नहीं करना बच्चा, अमर नहीं करना है, पहले आप बात करोगे अंडरस्टैंड द रीजन, सर क्यों क्यों. इफ द रीजन इज जस्टिफाइड, इफ द रीजन इज जस्टिफाइड यू शुड परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर एंड कंसीडर द इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट. If the reason is unjustified, consider the impact on audit report. क्या करना चाहिए, communicate to TCWG and modify the report. ठीक है, so पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं procedure. Meaning, it says audit evidence obtained as a direct written communication, I mean direct written response to the auditor from a third party in paper or electronic or other form, in any form. Number two is the procedure. The auditor should determine the information to be confirmed. कि debtor का balance करना है या creditor का balance करना है. He will select the appropriate थर्ड पार्टी, किससे बात करनी है. देन ही विल डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ही विल सेंड द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप. तो ये मेरा चार पॉइंट का स्टेप्स होगा पूरा. फिर मैनेजमेंट रेफ्यूजेस ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मैनेजमेंट रेफ्यूजेस ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ही शुड परफॉर्म पाई, दैट इज परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर. ही शुड इंक्वायर विद द मैनेजमेंट एंड द रीजन फॉर द सेम एंड ही शुड इवैल्यूएट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क. If the management refusal is unreasonable, he should communicate to TCWG and consider the effect on his report. समझा आपको, ये एक important बात है, this is important. Forms of request. तो basically दो आते हैं, positive and negative. ठीक है, positive and negative. ठीक है, अब सुनो, यहां बनाया हुआ है उसने positive and negative. आधे लोगों को क्या लगता है कि सर हमने भेजा, उसका रिप्लाई आया, आया आया, भेजा आया आया, पॉजिटिव. हमने भेजा नहीं आया, सर नहीं आया नहीं आया, नेगेटिव. ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. सो हाउ डू यू चेक कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. वहां पर ऑर्डर क्लियरली मेंशन करेगा, जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा वो वहां लिख के देगा सर यू नीड टू रिप्लाई इन ऑल केसेस, यू टू रिप्लाई इन ऑल केसेस, यू नीड टू रिप्लाई इन ऑल केसेस. ऑल मतलब सब, सब मतलब वेदर यू आर अग्रीइंग विद द बैलेंस और वेदर यू आर डिसअग्रीइंग विद द बैलेंस. आपका बैलेंस मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो भी आपको हमको रिप्लाई करना है. तो यू हैव टू रिप्लाई इन ऑल केसेस. नेगेटिव सर यू विल रिप्लाई, यू विल रिप्लाई ओनली इफ इट इज डिसअग्री. आप रिप्लाई तभी करोगे जब हम आप अगर बैलेंस से डिसएग्री कर रहे हो, तो वो रिक्वेस्ट होती है नेगेटिव रिक्वेस्ट. सो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर ने क्या लिख के भेजा होगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कौन सा रिलायबल होगा बच्चों, कौन सा रिलायबल होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव रिलायबल होगा. सी मैंने लिख के भेजा सर नेगेटिव रिक्वेस्ट के लिए, मैंने भेजा सर यू विल रिप्लाई ओनली इफ यू आर डिसएग्रीइंग. ठीक है, उसका मैंने ऐसे लिख के भेजा कि सर यू विल रिप्लाई ओनली इफ यू आर डिसएग्रीइंग विद द बैलेंस.
भाई साहब का रिप्लाई नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। पहली असम्पशन, सर बैलेंस मैच हो रहा है। पहला असम्पशन क्या मांगा, सर बैलेंस मैच हो रहा है, उसका रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि अपन ने क्या लिख के भेजा, यू विल रिप्लाई ओनली इफ यू आर डिसएग्रीइंग। उसका रिप्लाई नहीं है, मतलब वो अग्री कर रहा है बैलेंस से। मैं बोलता मेरा दूसरा ओपिनियन है, भाई साहब ने पढ़ा ही नहीं, भाई साहब ने आपकी रिक्वेस्ट फाड़ के फेंक दी, आपने ईमेल किया उसको डिलीट कर दिया। सो वो भी तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी, बिकॉज थर्ड पार्टी इज नॉट बाउंड, बिकॉज थर्ड पार्टी इज नॉट बाउंड बाय द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑडिटर। सो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रिलायबल होती है। ठीक है, अब आ जाइए आंसर पे। पॉजिटिव नेगेटिव, इट आस्क द थर्ड पार्टी टू रिप्लाई टू द ऑर्डर इन ऑल द केसेस ईदर बाय अग्रीमेंट और बाय डिसएग्रीमेंट। इट आस्क द थर्ड पार्टी ओनली देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, देन रिस्पॉन्स इज ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड टू बी रिलायबल। ये मोस्ट रिलायबल होती है आपकी। इट इज कंसिडर्ड लेस परसुएसिव देन पॉजिटिव, ठीक है, कम रिलायबल होती है। इफ द रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड इन रीजनेबल टाइम ऑर्डर शुड सेंड एन एडिशनल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, हो गया पॉजिटिव का आंसर। नेगेटिव में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। द ऑर्डर शुड यूज नेगेटिव रिक्वेस्ट ओनली इफ नाइसर इज देयर नो रीजन टू बिलीव दैट द रिसिपिएंट में डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट। ऐसा कोई बात ही नहीं है कि वो रिप्लाई नहीं करे अपने को। ठीक है, ICS इज इफेक्टिव, आइटम्स कंटेन स्मॉल अमाउंट, लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो। एकदम चिंटी पिंटी आइटम के लिए अपने को नेगेटिव रिक्वेस्ट करनी है, एकदम चिंटी पिंटी आइटम के लिए। पहला, नो रीजन टू बिलीव दैट द थर्ड पार्टी में डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट, ICS इज इफेक्टिव, आइटम्स कंटेन स्मॉलर अमाउंट, लो एक्सेप्शन रेट इज आइडेंटिफाइड इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, एंड आर से आएगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो, तभी आपको यूज करना है नेगेटिव रिक्वेस्ट। तो ये आंसर आ गया 4 मार्क का। फिर एक आगे आंसर आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, सो इसमें पहला वाला होगा नेचर ऑफ असर्शंस एड्रेस्ड। नंबर टू, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। किसके लिए आप बात करो, ऑडिटर के बैलेंस से, क्रेडिटर के बैलेंस से, बैंक से बात करनी है, लॉयर से बात करनी है, ठीक है, एजेंट से बात करनी है, कंसाइन से बात करनी है। अच्छा, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वेस्ट, वो ध्यान रखना है कैसे करोगे। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्ट से भेज रहे हो, ईमेल से भेज रहे हो। मैनेजमेंट ऑथराइजेशन और कंफर्मेशन और एक्नॉलेजमेंट कंफर्मिंग पार्टीज टू रिस्पॉन्ड। अगर मैनेजमेंट लिख के देखें कि हमारे ऑर्डर को बैलेंस कंफर्म करें तो वेट ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, एंड प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट और सिमिलर एंगेजमेंट। तो एक ही आंसर है। सो एक आंसर हो गया प्रोसीजर का आंसर, एक हो गया पॉजिटिव नेगेटिव वाला आंसर हो गया, एक हो गया नेगेटिव कब यूज करोगे वो तीसरा आंसर हो गया, चौथा आंसर व्हाट आर फैक्टर्स व्हाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हो गया, पांचवा आंसर ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सो पॉजिटिव रिक्वेस्ट में ही एक होती है ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इसमें क्या होता है, बैलेंस लिखा होता, सर आप लिख के दीजिए आपके बुक्स में हमारे पार्टी का, हमारे क्लाइंट का कितना बैलेंस दिख रहा है, उसको बोलते हैं अपन ब्लैंक कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। मतलब ऑडिटर लिख के देगा थर्ड पार्टी को, जैसे मैंने बोला सर 5 लाख का बैलेंस है, आप बताइए 5 लाख मैच हो रहा है कि नहीं, हो गया प्रॉपर पॉजिटिव रिक्वेस्ट। ठीक है, मैंने लिखा सर आपकी आपका जो बैलेंस है हमारी बुक्स में दिख रहा है, क्लाइंट की बुक्स में, आप बता दीजिए कितना बैलेंस है, उसको बोलते हैं बैंक रिक्वेस्ट। सो जनरली क्या होता है, ये डिफिकल्ट होती है ब्लैंक रिक्वेस्ट, क्यों, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को सारा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो जाएगा बुक्स में लेजर निकालेगा एंड वो कंफर्म करेगा। सो ब्लैंक रिक्वेस्ट में बहुत डिफिकल्टी होती है। ये वो क्या कहता है, देयर इज अ रिस्क दैट अ कंफर्मिंग पार्टी में रिप्लाई टू द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट विदाउट वेरीफाइंग द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, दिस रिस्क विल बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट डू नॉट स्टेट द अमाउंट और अदर इन्फॉर्मेशन ऑन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड Ask the third party to fill the amount or furnish other information. So, a definition of it. On the other hand, using blank request may result in lower response rate because additional effort is required of the confirming party. जाके balance ढूंढो। अब सर इसमें risk भी होता है। मतलब 5 लाख का balance अपनी books में है, उसमें कोई details है, तो अपने को receivable है वहाँ पर। अपने को तो receivable है ना 5 लाख रुपया।
भाई साहब ने 2 लाख लिख दिया, तो उसको डर साहब 2 लाख लिख दूंगा तो अच्छी बात है मेरे लिए, आई मीन थर्ड पार्टी के लिए। 8 लाख लिख दिया तो तकलीफ हो जाएगा मेरे को, तो क्लाइंट की अपने क्लाइंट की शांति हो जाएगी वहां पर। सो इसलिए ब्लैंक रिक्वेस्ट लोग नहीं करते, जनरली पॉजिटिव रिक्वेस्ट इज मोर वैल्यूएबल, ठीक है, ध्यान रखना। ब्लैंक रिक्वेस्ट पॉजिटिव का एक टाइप होता है, फट से, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर ऐसे 505 में बहुत 5 आंसर हो गए अपने। प्रोसीजर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का यूज करने का है, फैक्टर्स फॉर रिक्वेस्ट क्या क्या है, एंड ब्लैंक रिक्वेस्ट, 5 आंसर है। फट से इसको पढ़ लीजिए जल्दी। आज अभी नेक्स्ट ऐसे है, ऐसे 500, सो ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस इज यूज एज अ रेफरेंस। ऐसे इसको अगर आप नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, खाली पर फट से समझ ये होता क्या, क्योंकि ये इसकी जो ज्यादा वेट है वो आईपीसीसी में है। क्या कहता है, इट मींस एन इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट। सो देयर आर टू प्रोसीजर टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस, कौन कौन से, कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर यूज टू इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सब्सटैंटिव प्रोसीजर यूज टू इवैल्यूएट अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम टेक्निक्स या मेथड्स, ठीक है, दैट ओआईसीआई आईपी में सीखा होगा। ऑब्जर्वेशन, इट इज यूज टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग प्रोसेस प्रोसीजर्स, ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स, कंप्यूटेशन दैट एस्टिमेट्स कैलकुलेशन, एनालिटिकल रिव्यू, रेशियो, इंक्वायरी कैसे हो सकती है, ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है, वेदर विद इन एंटिटी आउटसाइड एंटिटी हो सकती है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड सोर्स, ओरल, रिटर्न, विजुअल, तीनों में से रिटर्न रिलायबल है, इंटरनल, एक्सटर्नल, कौन सा रिलायबल, एक्सटर्नल इज रिलायबल, बट इंटरनल भी रिलायबल हो सकता है इफ माई आईसीएस इज एफिशिएंट। सीखा था पहले ऐसा कुछ आईपीसीसी में, ठीक है। द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू फोटोकॉपीज आर नॉट एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ इज मोस्ट रिलायबल, ठीक है।
फिर ऐसे 500 में कुछ और भी बात आएगा। अगर वो एक्सपर्ट की बात करता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात मतलब मैनेजमेंट का लॉयर, तो आप लगाओगे ऐसे 500। अगर वो बात करता है एक्सपर्ट, किसके एक्सपर्ट की बात, ऑडिटर एक्सपर्ट की बात, ये रॉन्ग है, यहां पर लिखोगे ऑडिटर, तो अब यूज करोगे ऐसे 620। अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की बात करता है तो वो ऑडिट एविडेंस आ जाएगा, वो लगता है ऐसे 500। अगर वो ऑडिटर के एक्सपर्ट की बात करता है तो ऐसे 620 ऑडिटर्स एक्सपर्ट, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ध्यान रखना ठीक है। फिर ये आपको शायद एमसीक्यू में कुछ काम आ जाए, सफिशियंसी, अपन बोलते हैं ना साई साई, जब अपन साई की बात करते हैं, सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो सफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली चेकिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, मैंने से अप्रोप्रिएट इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, सफिशियंसी मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ठीक है। सो खाली रेफरेंस ऐसे आपको एमसीक्यू में काम आ जाए, फाइनल से में केस बनना बहुत डिफिकल्ट है, इसमें एक अलग से एक आंसर आया हुआ इंक्वायरी पर, तो आपके टीचर की बुक में इंक्वायरी का शॉर्ट नोट होगा, वहां पर वो पढ़ लीजिएगा। इट कुड बी ओरल, इट कुड बी रिटन, इट कुड बी फॉर्मल, इट कुड बी इनफॉर्मल, इट कुड बी विद इन द एंटिटी, आउटसाइड एंटिटी, एक इंक्वायरी का आंसर है, वो एक काम की चीज है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ अभी, नाउ वी आर डूइंग एसए 550। एसए 550 टॉक्स अबाउट योर रिलेटेड पार्टी, डोंट गेट कंफ्यूज, सेक्शन 188 जो लॉ में कंपनीज एक्ट में वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एसए 550 विल टॉक अबाउट ओनली रिलेटेड पार्टी। पहला चीज रिलेटेड पार्टी क्या होता है, तो जो भी एक्ट आप फॉलो करो उसमें जो डिफाइन कर रखी होगी, जैसे अगर किसी को पता है 2-7 साल, 2 ब्रैकेट में 7 साल, सेक्शन 2 क्लॉज 77, दैट्स योर रिलेटेड पार्टी बराबर। या फिर होल्डिंग सब्सिडियरी हो गई, वो भी आपके रिलेटेड पार्टी हो जाते हैं। ये एक ऐसी कंपनी जिसपे आपका जो क्लाइंट है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, या वाइस वर्सा आपके क्लाइंट पे भी कंपनी इन्फ्लुएंस कर रही होगी, या मुकेश अंबानी की फैमिली कॉमन की मैनेजमेंट अगर होता है वहां पर, और दूसरा रिलेटेड पार्टी। अब हमारे कंपनी में कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, उनका क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रखा है, वो बराबर बुक्स रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया, ये भाई अब ड्यूटी किसकी है, किसका कर्तव्य है, मैनेजमेंट का सर। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई आरपी, ट्रांजेक्शन विद आरपी एंड डिस्क्लोज ऑफ आरपी। ध्यान रखना आरपी के साथ ट्रांजेक्शन करना कोई गुनाह नहीं है, इट्स नॉट क्राइम, देयर इज नो कॉन्फर्मेशन ऑफ द एक्ट, आपको क्या करना है वो डिस्क्लोज करना होता है। तो पहला बोलता है बेसिस, तो बेसिस में बोलोगे मीनिंग एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी आप एक्ट फॉलो करो उसमें जो डेफिनेशन दे रखी है, और अ पर्सन और एन एंटिटी हैविंग कंट्रोल ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर क्लाइंट, और एंटिटी ओवर विच द क्लाइंट हैज कंट्रोल ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ठीक है, और एंटिटी अंडर कंट्रोल विद क्लाइंट थ्रू कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स एंड कॉमन मैनेजमेंट, दैट्स पॉइंट नंबर 1। 2, इट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरपी, डिस्क्लोजर ऑफ आरपी एंड अकाउंटिंग ऑफ आरपी ठीक है। 3rd, अब कंपनी के पास कौन कौन आरपी है तुमको पता होगा नहीं, आपको क्या करना होगा, मैनेजमेंट से बात करनी होगी। तो सबसे पहले इंक्वायर विद द मैनेजमेंट फॉर रिलेटेड पार्टी एंड चेंजेस सिंस प्रीवियस ईयर्स, डिस्कस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड द ट्रांजेक्शन विद देम। फिर पॉइंट नंबर 2, अगर नहीं भी पढ़ोगे नहीं लिखा एग्जाम में तो भी चल जाएगा, अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, के लिए बस रिलेटेड पार्टी के लिए अलग से सिस्टम बना रखा होगा, आपको वो अंडरस्टैंड करना है। यू शुड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, शेयर द इन्फॉर्मेशन विद इन एंगेजमेंट टीम एंड आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क एंड आइडेंटिफाई सम अनडिस्क्लोज आरपी। अगर और कुछ अनडिस्क्लोज आरपी मिलती है, मैनेजमेंट बताता है कि ये हमारे रिलेटेड पार्टी में आते हैं, कुछ और आपको मिलता है तो मतलब शायद वहां पर गड़बड़ आता है, तो सीधा मैनेजमेंट के पास नहीं जाने का, सबसे पहले यू विल डिस्कस विद इन द एंगेजमेंट टीम। So it says if he identifies previously undisclosed RP, he will communicate within the team. Adopt more substantive procedure, क्योंकि जो management कह रहा है system में उसमें गड़बड़ है, he will check more P&L balance sheet item, that is called a substantive procedures. Consider the risk of other such RP and reconsider the reliability of W1, क्योंकि management जो लिख के दिया वो गलत है, क्योंकि बार बार नए नए RP मिल रहे हैं, तो boss आपको और substantive procedure करना पड़ेगा। फिर आरपी ट्रांजेक्शन इज नॉट एज पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ही शुड इंस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडर द फ्रॉड रिस्क ऑफ फैक्टर्स, कंसिडर द अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर्स इन एफएस, ठीक है। टाइम पास ये भी, आरपी ट्रांजेक्शन बीइंग आर्म्स एंड ट्रांजेक्शन, ही वुड ऑब्टेन साई विद रिस्पेक्ट टू सच ट्रांजेक्शन, ऑब्टेन WR एंड कम्युनिकेट टू TCWG। पहले ये काम का है, ये वाला काम का है। कंक्लूजन,
चेक द ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर द आरपी ट्रांजैक्शन आरपी इन द ट्रांजैक्शन इज प्रॉपर्ली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड एंड अगर उसकी वजह से अगर एफएसएम मिस ही शुड गिव क्वालिफाइड एंड एडवर्स रिपोर्ट एंड ही शुड मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन एज पर एसए 230 एसए 230 दैट इज नेम ऑफ आरपी एंड द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन विद आरपी क्वेश्चन एकदम टाइम पास वाला एसए 550 जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ये दो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आ चुका एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका एग्जाम में ठीक है आ जाओ अभी देखो व्हाट आर द सोर्सेज फॉर आइडेंटिफाइंग एग्जिस्टेंस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरपी सोर्सेज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरपी देखो डिस्क्लोज करोगे तो अच्छी बात है और कहां कहां से मिल सकता है इनकम टैक्स रिटर्न को डिस्क्लोजर कर रखे होंगे वो लोग ने वो लोग कोई रेगुलेटर्स को सेबी वगैरह को डिस्क्लोजर कर रखा वो देखिए कुछ की मैनेजमेंट जो होता है ना केएमपी जो होता है उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट कर रखा है क्या वो देखिए शेयर होल्डर का रजिस्टर में कोई डिस्क्लोज कर रखा होगा फिर वो होता है रजिस्टर इन सेक्शन 184 इंटरेस्टेड डायरेक्टर को डिस्क्लोजर होगा वहां पर वो चेक कर लीजिए सो अपने को चार मार्क का पांच मार्क आंसर आता था आपको 7-8 पॉइंट कराने पहला चेक आईटी रिटर्न ऑफ द कंपनी चेक इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट अच्छा कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर होता है की मैं इंश्योरेंस पॉलिसी वो होगा वो चेक कर लीजिए ये हमने बोला शेयर होल्डर का रजिस्टर फिर रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटिटीज इन्वेस्टमेंट वहां डिस्क्लोजर कर रखा होगा कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स विद केएमपी और डीएसएलजी स्पेसिफिक इनवॉइस एंड करेस्पॉन्डेंस फ्रॉम एंटिटीज एडवाइजर कोई लॉ वर्ड से ओपिनियन ले रखा होगा एंड डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद फाइलिंग टू अ रेगुलेटर एग्जांपल प्रोस्पेक्टस ठीक है वो चेक कर लीजिए चार मार्क का पांच मार्क आंसर 8 पॉइंट ठोक कर आ जाए ठीक है फिर एक और आता था ये भी इंपॉर्टेंट है What is the procedure for RPT which prima facie appears to be biased? As an auditor, see, कहानी वो कुछ भी गया, कोई देखना अगर bias word दिखता RPT के लिए अगर bias word का related party transaction तो क्या procedure है? ये लिखना आपको. As per SA 550 RP, I mean related party, the auditor should review the information provided by the management for identifying the name of RP. पहले कौन-कौन आते हैं वो ढूंढ लीजिए. Number two. He should inspect the records documents to identify RP and RPT. So, पहले नाम देख लिया, फिर transaction देख लिया. फिर, for RPT outside the normal course of business, he should inspect the underlying contracts and evaluate. तीन चीजें लिखने बहुत important है. The business rationale, rationale होगा, ये आएगा. The business rationale or the lack thereof, and evaluate that they have entered, that they have entered for fraudulent purpose. The business rationale or the lack thereof, कि ढंग से काम किया है कि नहीं किया. Number two. The terms of transaction are consistent with the management explanation. जो मैंने कहा था और जो transaction के content है वो match हो रहे कि नहीं हो रहे. तीसरा, the transactions are properly accounted and disclosed as per FRA. ये तीन point ना बहुत जरूरी है इसी पे marks मिलेगा आपको इसी पे. तो दो question, एक तो sources of RP कहाँ मिलेगा और procedure कि अगर वो prima facie bias दिखता है तो क्या करना चाहिए? ये काम की चीज़ है, ठीक है? Cool. चलो फट से दो मिनट ले लीजिए और रीड कर लीजिए अपनी टीचर की बुक से So, right now what we are starting with, SA 560.
आपकी टीचर की बुक में आ जाइए ऐसे 560 पर, इट सेज सब्सिक्वेंट इवेंट, सब्सिक्वेंट इवेंट। तो देखो एनी इवेंट हैपनिंग आफ्टर 31 मार्च, एनी इवेंट हैपनिंग आफ्टर 31 मार्च इज कॉल्ड एज अ सब्सिक्वेंट इवेंट। मतलब एनी इवेंट हैपनिंग आफ्टर 31 मार्च बट बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट इज कॉल्ड एज अ सब्सिक्वेंट इवेंट। अब ध्यान से देखो, 31 मार्च मेरा बैलेंस शीट डेट है, 10 जून मेरा एफएस अप्रूवल डेट होता है, एफएस अप्रूवल डेट होता है बाय बोर्ड, 20 जून मेरा ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग डेट होता है, 15 जुलाई को मार्केट में पब्लिश होते हैं, 20 सितंबर मेरी एजीएम। ठीक, अब ध्यान सुनो, इवेंट्स अकरिंग बिटवीन 31 मार्च मतलब बैलेंस शीट डेट एंड बिटवीन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मतलब इस दिन, इन दोनों के बीच में जो भी कारण होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, सब्सिक्वेंट इवेंट। कुछ ऐसा होगा जो मुझे इवेंट पता चलता है यहां से लेकर यहां तक के बीच में, इसके बीच में चलते हैं, तो फैक्ट्स दैट केम टू नो बिकेम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द एफएसआर इशू, मतलब मार्केट में नहीं गए हैं। ठीक है, यहां तक कुछ ऐसे बात होंगे, फैक्ट्स दैट बिकेम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर एफएसआर बीन इशूड मतलब यहां। ठीक है, सो दिस इज माय ए कैटेगरी, दिस इज माय बी कैटेगरी। एक होता है बिफोर एफएसआर इशू, दूसरा होता है आफ्टर एफएसआर इशू, मेरा मेजर यही कैटेगरी है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है पूरा। अच्छा, ध्यान रखना साइमल्टेनियसली पढ़ना है इसको, साइमल्टेनियसली। जनरली आप बोलोगे हमारा कोई कर्तव्य नहीं होता है, कोई कर्तव्य नहीं होता है फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट, बट अगर मेरे को मेरी ऑडिट रिपोर्ट देख के दिन पता चला होता तो बस उससे मेरा ओपिनियन शायद चेंज होता था, तो मेरे लिए वो सिग्निफिकेंट है। अच्छा बेटा, अगर सिग्निफिकेंट है तो आई विल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यू जी एंड आई विल रिक्वेस्ट देम तो सर आप उसको अपने एफएस को अमेंड कर दीजिए, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है एफएस को इंपैक्ट कर रहा है, तो आप उसको अमेंड कर दीजिए। दो बातें अगेन, मैनेजमेंट कह रहा है कि सर जी क्या हम अमेंड करने तैयार हैं, कोई बात नहीं, आपने एफएस को अमेंड कर दिया, जाके एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कीजिए, चेक कीजिए और आप अपने इसको रिपोर्ट कीजिए, किधर, इधर बाय वे ऑफ डुअल डेटिंग और थ्रू इन ईओएम पैरा, थ्रू डुअल डेटिंग और थ्रू ईओएम पैरा। व्हाई ईओएम पैरा बेटा, बिकॉज एफएस में ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है, सिग्निफिकेंट है, ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए, कहां जाएगा वो ईओएम पैरा में जाएगा। ठीक है, आफ्टर बैलेंस शीट आर इश्यू, ठीक है, मैनेजमेंट क्या बोलता है कि हम अमेंड करने तैयार नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट अगर आपके पास है, ठोक दो, मॉडिफाई कर दो ऑडिट रिपोर्ट, मैनेजमेंट ने किसी को दे दी, उनको रिक्वेस्ट करो कि सर आप आगे में इश्यू कीजिए, सालों में चल भी है फिर भी मार्केट में इश्यू कर दिया है, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस। क्या बोलते हैं, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस, दैट मीन्स टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस का मतलब होता है आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। दूसरा सिचुएशन, जब मार्केट में एफएस जा चुके, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो कि सर आप वापस से मंगाइए, दो बातें, मैनेजमेंट ठीक है चलो हम वापस मंगा लेते, खर्चा करके नया रिपोर्ट कीजिए, नया प्रोसीजर कीजिए, सब खत्म हो जाएगा। मैनेजमेंट बोलते नहीं मंगाएंगे, जो करना है कर, सेम बात, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस, वो ही है। ठीक है, मीनिंग एनी इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ एफएस, any event with the date of FS and that of audit report is called as a subsequent event. Okay? Facts that became known to the auditor before FS are issued, after FS are issued. Okay? दोनों same चलेंगे. चलो पहले ये पढ़ा देता हूँ. Generally, no obligation to perform procedure after audit report. बाजू में देख लीजिए. Generally, no obligation to perform procedure after audit report is issued. However, facts are such that had it been known to the date at the date of audit report, it may have affected his audit report. However, facts are such that had been known to the auditor or the date of audit report, it may have affected his audit report. Okay? He should discuss with the management the matter, the need to amend FS and the treatment in FS. Same way, upper B. The matter, treatment FS and amend FS. Pura point same hai, Exam mein generally situation nahi aati hai, before FS are issued. Woh aati hai, okay? If the management and TCWG amends the FS, perform new procedures and provide new report. Kidhar? Amend the audit report to include an additional date restricted to the amendment which is called as world dating and or new amended audit report including EOM para, that's emphasis on matter para, that is subsequently covered only amended matter in FS which is already discussed by the management in FS. So, dual dating kar dijiye to EOM de dijiye. Achha, maine bola amend nahi karenge apan. And if the audit report is not yet given to the entity, modify the opinion. Yes, if it is given to the entity, notify TCWG not to issue it to third parties. Chal bhi hai saalon mein, fir bhi issue kar diya. Take action to prevent reliance. ठीक है, फिर if the management TCWG informs about the situation to everyone in shift of previously issued FS and amend the FS, you will issue new report. नहीं मना कर रहे, हमने करने वाला कुछ भी, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस, एकदम इजी आंसर, समझा आपको, इसको बोलते हैं SA 560 subsequent event.
चलो फट से एक बार रिकॉल कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम, जल्दी। आज और आगे एसए 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ एफएस, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ एफएस। अब ध्यान सुनो ये होता क्या है। सो आई विल ड्रॉ समथिंग हियर, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ एफएस, ठीक है। अब अज्यूम करो एक सीए फर्म है ए बी एंड को। इस सीए फर्म में ए बी इज अ सीनियर पार्टनर या फिर फाउंडर पार्टनर, एक है मयंक एंड कंपनी और एक है राहुल एंड एसोसिएट्स, ठीक है। मयंक एंड कंपनी के नीचे लेट अस अज्यूम एक काम गया एम कॉम है, उसके नीचे एक बी कॉम है, फिर उनके साथ चिल्लर मतलब आर्टिकल चिल्लर वन चिल्लर टू चिल्लर थ्री जाते हैं, ठीक है। ये पूरा परिवार, ये पूरा जो मेरा फैमिली है, ये लोग सब लोग रिलायंस के ऑडिट पर हैं। सो रिलायंस का एंड एबी का एक रिश्ता बना है, जब उनका रिश्ता बना है उसको अपन प्यार से बोलते हैं एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं उसको अपन? एंगेजमेंट। मयंक एंड कंपनी वुड बी कॉल्ड एज एंगेजमेंट पार्टनर। क्या बोला जाएगा उसको? एंगेजमेंट पार्टनर। ये जो पूरा परिवार है मयंक एंड मयंक एंड कंपनी, मयंक राहुल, ये सब मेरे पार्टनर है, सब मेरे पार्टनर, ठीक है। सो मयंक वुड बी कॉल्ड एज माई एंगेजमेंट पार्टनर, राहुल भी मेरा पार्टनर है, मैं भी मेरी फर्म का पार्टनर हूं, बट मयंक एंगेजमेंट को संभाल रहे रिलायंस के वाली, उसको क्या बोला जाएगा? एंगेजमेंट पार्टनर। ये जो पूरा परिवार है मयंक बीकॉम एमकॉम चिल्लर आर्टिकल सब जा रहे ऑडिट पे, इनको बोला जाएगा एंगेजमेंट टीम। क्या बोला जाएगा? एंगेजमेंट टीम। सो बेसिकली एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट टुवर्ड्स रिलायंस। सारे वर्किंग पेपर्स आए कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन बराबर आए कि नहीं है, वो जो टीम जा रही है वो बहुत रिलायबल है कि नहीं, अच्छा वो उसका इंडिपेंडेंस अफेक्ट तो नहीं हो रहा किसी का, तो 141(3) चेक करने की ड्यूटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। अब ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स इन एवरी एंगेजमेंट टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द ऑडिट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब का मीनिंग हो गया। नाउ एक क्वेश्चन आता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस या फिर कंटिन्यूएशन फॉर्मेलिटीज। सो पूरी कहानी बना के देगा, बोलेगा कि आप पिछले साल से इस साल से ऑडिटर हो एक कंपनी के, आपको कंटिन्यू करने के बता व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स योर क्लाइंट कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप। सी पहले तो आप बोलोगे सर देखो इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या की कंपनी हो गई, अभी अपने यस बैंक जैसे लोग हो गए जिनके मैनेजमेंट में तकलीफ है, तो यू विल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट।
पिछले साल सब सही था बट पैसों को लालच आके सब चेंज हो गए, यू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट, इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो गया अपना, पहले शेयर वाइज नहीं ले रखे थे, अपने को लालच आके मेरे एंगेजमेंट टीम में किसी ने शेयर वाइज ले लिए या मेरी फर्म का कोई भी बंदा उस कंपनी में डायरेक्टर बनकर चला गया तो सर मेरा इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगा। तीसरा, मेरे जितने भी आर्टिकल्स हैं, मेरे जितने भी लोग हैं, अरे सब लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, सबकी फाइनल्स एग्जाम है, तो सर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, स्टाफ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कैसे करेंगे अपन? अच्छा पहले हम लोग वैट करते थे, सॉरी पहले हम लोग सर्विस टैक्स करते कुछ नहीं करते थे, अब जीएसटी आने के बाद तो सारा जीएसटी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सारा एक्साइज वैट सब कुछ मिक्स है उसमें, तो अब तो सर वो हमको आता ही नहीं है तो कैसे करेंगे? सो दिस आर द सर्टन फैक्टर्स। पहला देखो क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वुड असिस्ट द ऑडिटर, दैट इज इंटीग्रिटी ऑफ द केएपी एंड टीसीडब्ल्यूजी, whether the engagement team necessarily have capability, time and resources, whether engagement team can comply with the ethical standards, wo apne independence wale points, significant matters that have arisen during the audit engagement and in and its complication for continuing relationship, shares wise buy kar liya hai, koi engagement team ka banda upar chala gaya, I mean client ke maa chala gaya, so you shall not accept the audit, theek hai? So ye answer hai jo important rahega aapka, this is important. Fir engagement partner has a responsibility, matlab Mayank has a responsibility regarding delegation of direction, partner should inform the teammate regarding the nature of entity, business, risk related issue, theek hai, time pass hai, or supervision whether work is carried out as per the plan, proper coordination hai ki nahi wahan par, and kuch agar significant matter to usko lead karke wahan par manage karna chahiye, ye sab engagement partner ka kaam hota hai, theek hai? Now, review. This is important. This is important. Review ke pradik kya response hai? Aapko ye word dikhega, review. Theek hai? Whether the work has been performed as a professional standards, regulatory and legal requirement. Significant matters arisen during the audit has been raised for considerations. Check. There is whether there is a need to revise the nature, time and extent of work performed. Whether work performed is appropriately documented. Evidence obtained is sufficient and appropriate, and objectives of engagement process have been reached. ये important है, review पे कहानी बना कर आएगी कि जैसे अभी मुझे जितना ध्यान है, question था अंबुज का, एक question अंबुज का, CM अंबुज अपने जो model में या PM में दे रखा है, अंबुज का CM अंबुज का question है, वो शायद यहाँ पर attract होता है कि भैया एक partner था firm का, वो भाई साहब ने audit कर लिया, भाई साहब वो चल से, I think रामचंद्र का है, रामचंद्र कंपनी का है, एक पार्टनर चल से, दूसरा पार्टनर साइन करना चाहता है, तो बस वो साइन करेगा, उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए रिव्यू करने के टाइम पे, सो पार्टनर साइन तो कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वर्क परफॉर्म बाय दस अपन ऐसे 20 लगा देंगे और रिव्यू के बाद ये आंसर लिखेंगे, ध्यान रखना ये काम की चीज है, दिस इज काम की चीज, ठीक है? सो एक बार फटाक से टीचर की बुक से रीड कर लीजिए जल्दी, एसए 220 हो गया पढ़ के, ठीक है? आज अभी आगे बढ़ते हैं अपन,
राइट नाउ व्हाट डूइंग इज एसए 402, ठीक है, 402 को मारो, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 एंड वेरी वेरी एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एसए 402. It says audit considerations for the entity, auditor's consideration for the entity using service organizations. Again, using service organization ke wahan par maro tara, usko dalo dabbe mein. ठीक है, अब मेरा वो एग्जाम्पल समझना तो फर्क से समझ जाएगा. आपको नेक्स्ट पेज पे ऐसा एक एग्जाम्पल देखा होगा, ये एग्जाम्पल. अब देखो, एबी लिमिटेड ने अपना स्टॉक या अपना कोई असेट बैंक पे गिरवी रखा है. बैंक ने 50% हमको लोन दिया है, लोन. ठीक है, सो एबी लिमिटेड ने बैंक से एक सर्विस लिए, उस सर्विस का नाम है लोन. बराबर, अब एबी लिमिटेड का जो ऑडिटर होगा उसको देखना होगा स्टॉक क्लियर है. तो वो ऑर्डर आपके पास आया, बोला सर सर मेरे को बताओ, और उसके ऊपर नाम लेते हैं शाहरुख खान. शाहरुख खान आपके पास बोला सर आपका स्टॉक दिखाइए किधर है. मैनेजमेंट बोलता है स्टॉक तो हमारे पास है ही नहीं सर, स्टॉक तो हमने बैंक को दे रखा है वहां पर. आई एम अज्यूमिंग कि हमने हाइपोथेटिकल, हमने प्लेज कर रखा है, प्लेज कर रखा है, ठीक है, या कोई एसेट है, गाड़ी वाड़ी कुछ भी. ठीक है, सो हमारी कंपनी को इस एसे के लिए बोला जाएगा यूजर एंटिटी. क्या बोला जाएगा? यूजर एंटिटी. हमारे ऑर्डर को बोला जाएगा यूजर ऑडिटर. बैंक हमको सर्विस दे रही है, बैंक को बोला जाएगा सर्विस एंटिटी. अज्यूम करो इनका जो ऑडिटर है वो है अपना सलमान भाई, सलमान को बोला जाएगा सर्विस ऑडिटर. सो भैया एबी हो जाएगा यूजर एंटिटी, उसका जो ऑडिटर यूजर ऑडिटर. एचडीएफसी बैंक को जाएगी सर्विस एंटिटी, उसका ऑडिटर मतलब सर्विस ऑडिटर. तो सर प्रॉब्लम क्या है? जनरली जब आपके यहां से स्टॉक मूव हुआ, एबी लिमिटेड का स्टॉक बाहर गया, स्टॉक आउट हुआ, तो कोई ना कोई तो प्रोसीजर होना चाहिए. बिन कार्ड लेजर बनता होगा, स्टॉक एक होता होगा, वहां पर कोई लिखित लिखा पड़ी होती होगी, कुछ तो होता होगा ना. तो द ऑडिटर शुड फर्स्ट इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एट द एंटिटी. बट वो बोलते नहीं मेरे को रिलायंस नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मतलब आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस थिंग. ठीक है, आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस थिंग. देन He should perform some other procedures. What are those other procedures? अरे सर आपका बैंक के पास जरा स्टॉक है ना, तो मेरे को बैंक वाले से सर मिला दो सर प्लीज, एक बार मेरे को जाने का बनता है वहां पर. मैनेजमेंट बोलते ठीक है लोग मिला देते हम लोग, आप जाके बैंक विजिट कर लोगे. दूसरा, आपने बैंक तो विजिट किया, पर अक्कल लगा अगर स्टॉक किसी का असर से वहां गिर भी पड़ा तो बैंक का पास तो ऐसे बहुत सारे लोगों को लोन रखा होगा, बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, बैंक अगर अलाउ नहीं करता है वहां पर तो फिर क्या कर लोगे? सो अगर बैंक ने वहां पर मना कर दिया, सी पहली प्रोबेबिलिटी थी कि बॉस बैंक आपको अलाउ कर, आपने वेरीफाई कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा क्या बोलते हैं, बॉस बैंक ने अगर मना कर दिया तो सर आप क्या कर दिया? तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले यू शुड कॉन्टेक्ट द सर्विस एंटिटी, ठीक है, जहां से सर्विस ले रहे हो, ठीक है, थ्रू यूजर एंटिटी. आप वहां जाके विजिट कर लीजिए. अच्छा, वो भी पॉसिबल, वो पॉसिबल हो गया, वहां गए आप उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लीजिए. बैंक वाला बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगा यहां पर आने के. डू नॉट वरी, आपका भाई वहां पर है. आपका भाई मतलब कौन? उस एंटिटी का ऑडिटर, मतलब सर्विस एंटिटी का ऑडिटर, मतलब कौन? सर्विस ऑडिटर. तो बॉस आप अपने सर्विस ऑडिटर को बोलोगे सर वी डू नॉट नीड द एग्जैक्ट बैलेंस शीट, वी डू नॉट नीड एनी फिगर्स, वी जस्ट नीड वन कंफर्मेशन कि मेरा जो क्लाइंट है एबी लिमिटेड, उसने आपको 1500 यूनिट एग्जाम्पल 1500 यूनिट के स्टॉक भेजे थे, खाली वो कंफर्म कर दीजिए आपको रिसीव हुए कि नहीं. तो यू ऑब्टेन सर्विस ऑर्डर रिपोर्ट, या फिर टाइप वन टाइप टू रिपोर्ट लोगे. हम टाइप वन रिपोर्ट कहते हैं, ये नाम है टाइप वन TYPE 1 एंड टाइप टू, ठीक है. टाइप वन रिपोर्ट कहती है कि ICS है, टाइप टू कहती है ICS है एंड वो इफेक्टिव है. टाइप वन कहता है ICS है, टाइप टू कहता है ICS है एंड वो इफेक्टिव है. तो सर इससे फायदा क्या होगा, मतलब इसे क्यों कर रहे हैं? सी नाउ टू अंडरस्टैंड दिस एसे मोर बेटर, लेट मी चेंज द एग्जांपल एज बेबी लिमिटेड. सो अज्यूम करो अगर मेरी कोई सब्सिडरी होती है, कोई मेरी अगर एसोसिएट होती है, वहां से बार बार ट्रांजैक्शन हो रखा है, तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा उसके ऑडिट के पर्पस के लिए. नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, रिपीटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, कितनी बार घुमा है माल जाता है, लोन आता है, लोन जाता है, बार बार चाहे पैसा घुमा रहे होंगे ये लोग,
नेचर ऑफ रिलेशनशिप विद द सर्विस एंटिटी, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, कितनी बार 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 घूम रहा होगा, तो इसलिए काम का हो जाएगा। सो मैंने समझने के लिए ऐसे के लिए इसको एक्सरसाइज में रखा, पर मोर इम्पोर्टेंट ये सब रिलेटेड पार्टी के लिए काम आता है। समझा आपको चीजें, ध्यान रखना यहां पर आपको हिंट मिलेगा, या तो वर्ड मिलेगा आपको आउटसोर्स्ड, या आपको वर्ड देगा थर्ड पार्टी, या तो आपको वर्ड दिखेगा आउटसोर्स, या तो आपको वर्ड दिखेगा थर्ड पार्टी। ठीक है, आ जाओ अभी। सो आपका आंसर यहां से शुरू, ये वाला जो पेज है ना, ये वाला पेज से आप आंसर शुरू कर रहे हैं, करें। ये वाला पार्ट कुछ कम का नहीं है यहां से, तो बी वाला आंसर एंड सी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलोगे, द यूजर राइटर, मतलब शाहरुख खान। चलो, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग पहले घर में ऑफ हाउ यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विसेज ऑफ सर्विस एंटिटी इन द यूजर एंटिटीज ऑपरेशन इंक्लूडिंग, ठीक है, द नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय द सर्विस एंटिटी एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज। तो पहला हो गया नेचर ऑफ सर्विसेज। नंबर टू, द नेचर एंड द मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रोसेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अफेक्टेड बाय द सर्विस एंटिटी, द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ द सर्विस एंटिटी एंड यूजर एंटिटी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड सर्विस एंटिटी। सो नेचर ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड मटेरियलिटी, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ये काम कीजिए। ठीक है, फिर ऑडिटर कंसिडरेशन, द यूजर ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रेलेवेंट कंट्रोल्स ऑफ यूजर एंटिटी एंड that relate to the services provided by service entity and their effects on the internal control weakness, internal controls relevant to the audit has been obtained. If user auditor is not, unable to obtain sufficient understanding from the user entity, he may follow one or more following procedures. Kya kya? Obtain type 1 and type 2 report if available. Contact HDFC bank through user entity to obtain sufficient information. Visit HDFC bank. Wo bhi possible nahi hai. Use another auditor, a service auditor, to perform the process that would provide necessary information about the controls at service entity. ठीक है, ICS की जो report है, type 1, design and description of ICS, type 2 report, design description and the operating effectiveness of ICS. type 1 कहता है कि ICS है, type 2 कहता है ICS है and वो effective है। ठीक है, so auditor's consideration important, obtaining understanding वाला important, ठीक है, दोनों important है। फिर एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है सब सर्विस एंटिटी का, सब सर्विस एंटिटी उसमें भी आगे आउटसोर्स कर रखे, वो कौन हो जाएगा मेरा सब सर्विस एंटिटी। ठीक है, सब सर्विस एंटिटी। अब सब सर्विस का रखिए, जो आंसर अपन ने सर्विस के लिए बोला है वो ही सब सर्विस के लिए बोलना है आपको, वो ही सेम चीज मिलेगी। वहां पर ध्यान रखना दो मेथड होता है, कार्विन मेथड एंड कार्वॉट मेथड। अब देखो, इफ द सर्विस एंटिटी यूज सब सर्विस एंटिटी The service auditor report may either include or exclude the sub-service organization relevant controls, object of related controls. If type 1 or type 2 reports exclude the controls, exclude the controls at sub-service organization or services provided by sub-service organization are relevant to the auditor user's entities FS. The user auditor is required to follow the requirement of this SA-402 in report of sub-service entity. जो भी आपने सर्विस के लिए यूज किया वही सेम सब सर्विस के लिए यूज करोगे। I'm talking from the point of view of Charu, user auditor. Then वो देखो सेम होगा। The nature and extent of work to be performed by user entity regarding the service provider why the SSO depends upon the nature and the significance of those services to the user entity. So दो मार्क का, तीन मार्क का, चार मार्क का आंसर ये सब सर्विस का आ सकता है, ध्यान रखना, इतना ही लिखेंगे। और एक आंसर जो एग्जाम में आया हुआ है इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये एज इट इज, इसका कोई हाथ पैर नहीं है, अलग ही दिया हुआ आंसर है इंस्टीट्यूट की तरफ से, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। ये भी एग्जाम में एक बार आ चुका है, ओल्ड सिलेबस में हुआ है। ठीक है, कूल, फटाक से अपनी टीचर की बुक से पढ़ लीजिए जल्दी।
सो अभी जो अपना ऐसे है वो है ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग. सो ऑडिट सैम्पलिंग का ये जो प्रोसीजर आप आई आप रीड कर सकते हो खाली, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आईपीसीसी में आती है. इसमें एक आंसर मिलेगा आपकी टीचर की बुक में, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. तो ये बात जो ऐसे है ये आपको मोर एमसीक्यू के प्रति जाना पड़ेगा. एज अ थ्योरी आंसर थोड़ा सा कम वेटेज क्या करता है आपको एमसीक्यू में याद रखेगा. तो पढ़ना है आपको अपने रिस्पेक्टिव टीचर की बुक से इसको. टाइप ऑफ सैम्पलिंग में आपने सुना होगा वो एक होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, नॉन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सुना है ऐसा कुछ ये. फिर उसके अंदर वो होती है रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, ब्लॉक सिलेक्शन, ब्लॉक का दूसरा नाम क्लस्टर होता है वहां पर, याद है ऐसा कुछ ये. और रैंडम हो गया, हैपजार्ड हो गया, रैंडम, हैपजार्ड, मॉनिटरी यूनिट, ब्लॉक या फिर क्लस्टर हो गया वहां पर, और एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. ये पांच सैम्पलिंग होते हैं वहां पर. तो वो या तो थ्योरी बनकर आएगा पूरा चार मार्क का, पांच मार्क का, या किसी में भी दो दो मार्क को डिफाइन करने को अगर आ गए तो, बाकी सब ये एमसीक्यू के लिए काम आएगा. अब इसको अपने रिस्पेक्टिव टीचर की बुक से आप रीड करोगे इसको, ठीक है. अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे 720 जो पिछले टर्म एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी. द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑडिटेड एफएस, इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑडिटेड एफएस. इसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल लेता हूं बुड रिपोर्ट. बच्चों इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा बोर्ड रिपोर्ट. अब देखो एक है एफएस, एक है बोर्ड रिपोर्ट. तो एफएस की जितनी भी बातें होता बोर्ड रिपोर्ट में गई है. ये ऐसे कहता है कि हे ऑडिटर तेरे को कोशिश करनी कि जो अदर इंफॉर्मेशन जिसमें डेटा कंटेंट है ऑडिटेड एफएस का वो रीड कर ले, चेक कर ले कि वहां पर कोई गलती तो है नहीं. ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा बोर्ड रिपोर्ट शायद गलत टाइप हो गया होगा, गलत फिगर चले गए होंगे, या तुम्हारे एफएस में गलती होगी, या वहां गलती होगी वहां पर. पहला सिचुएशन, बोर्ड रिपोर्ट गलत होती है, बोर्ड रिपोर्ट गलत होती है. सो व्हाट विल यू डू, यू विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट के साथ बोर्ड रिपोर्ट को रेक्टिफाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दो बातें, उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेक्टिफाई नहीं किया, कम्युनिकेटेड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजरी बोर्ड, ठीक है. सर अगर एफएस में गलत है तो अक्कल, अगर एफएस गलत होता है, एफएस गलत होता है माने सबसिक्वेंट इवेंट हो जाएगा वहां पर. यू विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट कि सर आप इसको रेक्टिफाई कीजिए. दो बातें, मैनेजमेंट अग्री करता है, मैनेजमेंट ने अग्री किया, अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मैनेजमेंट बोलते मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस, याद आया सब. इसी मैसेज 560 लग जाएगा. मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट बच्ची पड़ी है तो क्या कर देंगे, मॉडिफाई करेंगे. अपन देख चुके हैं, बट मैनेजमेंट को बोलो कि आगे इशू ना कर, फिर भी बोलोगे अगर इशू कर दिया, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस, टाइम पास वाला आंसर, ठीक है. आज उसको कर ले एक बार, रीड अदर इन्फॉर्मेशन मतलब बोर्ड रिपोर्ट. द ऑडिटर शैल रीड अदर इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द मटेरियल इनकंसिस्टेंसी इफ एनी विद द ऑडिटेड एफएस. Appropriate arrangement with the management or TCW to obtain other information prior to the date of his report. If it is not possible, he should read such other information as soon as possible. ठीक है? Then, if it is not possible, the auditor should read the other information as soon as practical. ये कर लिया अपने. Now, material statement of fact. अगर fact की गलती हो तो अपने को नहीं पता. So, अपना जो माई बाप है लॉयर उसको आके पकड़ लीजिए, ठीक है, लॉयर को. सो आप लॉयर से बात कर लीजिए, ठीक है. अब देखो यहां पर, इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ एन अपेरेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ही शैल डिस्कस द सेम विद मैनेजमेंट. द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू कंसल्ट विद अ क्वालिफाइड थर्ड पार्टी एंड टेक सच इनपुट्स, एग्जाम्पल लॉयर, ठीक है. अभी तो टेढ़ा है एक्चुअली, आपकी बुक में वो सही पढ़ लेना. आई विल रीड दिस पार्ट, ऐसे पढ़ देना, ठीक है. अभी रोटेट करने का टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है, ऐसे पढ़ लेते हैं. When the revision of the ordered FS is necessary and the management refuses to make revision, when the revision of ordered FS is necessary, ठीक है, financials, management मना कर रहे हैं. ये बात अगर आपको पहले मिले, prior to the date of auditor report, the auditor should मड़ी पदों open as per SA 705. उसके बाद होती है तो the auditor should follow SA 560 subsequent events, बराबर. Where other information is necessary, management refuses, मतलब OI मना कर रहे हैं, मतलब बोर्ड रिपोर्ट मना कर रहे कि मैं रिवाइज नहीं करूंगा. द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द सेम टू टीसीडब्ल्यूजी एंड इंक्लूडिंग ऑडिटर रिपोर्ट ऑन अदर मैटर पैरा. अदर मैटर क्यों आएगा, क्योंकि एफएस में नहीं आया हुआ है, ठीक है. अकॉर्डिंगली डिस्क्राइबिंग द मटेरियल इनकंसिस्टेंसी और
withdraw from the where legally is permitted, you should withdraw from the engagement. Withdraw from the engagement. Audit report ja chuke. Auditor shall notify the engagement governance team of the auditor's concern regarding the other information and take appropriate action. Matlab public notice de dijiye. Management agree kar raha hai. Other information, whether revision of other information is necessary and the management agrees. Management agrees for the revision. Kya kar loge? The auditor shall carry out the necessary additional procedure. Example, the individuals in receipt of the previous where the previous issue FS are informed about the revision. So, unko aap inform kar dijiye. So, two situation hai ki bas aapko FS ko revise karna hai ki aapko board report ko revise karna hai. Wo aapko check karna hai. Theek hai? तो एग्जाम में ये आंसर आ गया था. इसको रट्टा मार लीजिए. इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा. एग्जाम्पल्स ऑफ अमाउंट्स अदर आइटम्स दैट मे बी इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन. एग्जाम्पल्स ऑफ अमाउंट्स तो ये वाला आंसर है एंड अदर आइटम्स का ये वाला आंसर दैट मे बी इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन. ये अमेंडमेंट का पार्ट लेटेस्ट आया था और एग्जाम में पूछ लिया गया. इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट. अब देखो अभी नेक्स्ट आंसर एसए 710. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. कंपैरेटिव 2019 और 2020 जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं दो साल लेके चलते उसको बोलते हैं अपन करस्पॉन्डिंग फिगर्स. हमें क्या बोलते हैं कंपेयर्ड फिगर्स. क्या बोलते हैं कंपेयर्टिव फिगर्स. 2019-2018 दो साल आप लेके चल उसको बोलते हैं कंपेरेटिव फिगर्स. क्या बोलते हैं कंपेरेटिव फिगर. एक ही साल का क्वार्टर वाइज आप कंपेयर कर रहे हो सेल्स का फिगर. एक ही साल का क्वार्टर वाइज कंपेयर करो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर्स. ठीक है. सो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेज द ऑडिटर्स ओपिनियन रेफर टू ईच पीरियड फॉर विच द एफएस प्रिपेयर्ड. करस्पॉन्डिंग फिगर्स द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन एफएस विच रेफर्स टू करंट पीरियड ओनली. करंट पीरियड ओनली. ठीक है. सेल्स का फिगर्स हो गया क्वार्टर वाइज. परचेज का फिगर्स हो गया आपका. लोन के फिगर हो गया आपके. क्वार्टर वाइज आ रहा है सिक्स मंथली जा रहा है और दूसरा करस्पॉन्डिंग फिगर. प्रोसीजर द ऑडिटर शुड डिटरमाइन वेदर एफएस इंक्लूड्स कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बराबर एंड इट इज क्लासिफाइड प्रॉपर्ली. चेक वेदर द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अग्रीज विद द अमाउंट्स एंड द डिस्क्लोजर्स ऑलरेडी मेड. जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का ओपनिंग बनना चाहिए. मतलब मेरी जो ये 2019 की जो बैलेंस यहाँ पर बनाई थी मैंने वो मैंडेटरी इस साल 2019 से आनी चाहिए. सेम कॉपी पर ना पर दो तभी तो वो बैलेंस आएगी. तो फिर अपन 2020 का बनाएंगे. क्या वहां पर चेंज हो सकता है. आंसर इज नो. जनरल चेंज हो सकता है पर चेंज हो सकता है कब. अगर अपन ने प्रेजेंटेशन चेंज किया शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में ले गए आप तो प्रेजेंटेशन चेंज हो सकती है. ठीक है. ऊपर नीचे हो सकता है. आपको वो चेक करना है. चेक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड ऑर नॉट. अगर चेंज होता है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल पीरियड्स रेफर इन हिज ओपिनियन. तो ये हो गया मेरा ऑडिट प्रोसीजर का आंसर. ठीक है. फिर प्रायर पीरियड क्वालिफिकेशन. प्रायर पीरियड क्वालिफिकेशन मतलब लास्ट ईयर की रिपोर्ट अगर एडवर्स होती है एंड इज रिजॉल्व्ड इन करंट ईयर तो एडवर्स में तो रिजॉल्व नहीं होगी और उसमें क्वालिफाई है. इट इज रिजॉल्व्ड इन करंट ईयर. सो नो रेफरेंस इज रिक्वायर्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट. हाउएवर यू कैन रिपोर्ट इन यूएम इफ इट इज मटेरियल. लास्ट ईयर प्रॉब्लम थी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो इस साल रिजॉल्व हो गई है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अब उसको यूएम में लिख दीजिए. ऑडिट रिपोर्ट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. अच्छा इफ इट इज नॉट रिजॉल्व्ड इन करंट ईयर बट हाउएवर रिजल्ट्स इन क्वालिफिकेशन द करंट ईयर मतलब लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट है वो एडवर्स है और इस साल भी वो इंपैक्ट कर रही है यू विल क्वालिफाई करंट ईयर. यू विल क्वालिफाई करंट ईयर. इफ प्रायर पीरियड क्वालिफिकेशन इज नॉट रिजल्टिंग इन इट इज नॉट रिजॉल्व इन द करंट ईयर एंड इट इज नॉट रिजल्टिंग इन क्वालिफिकेशन द करंट ईयर मतलब लास्ट ईयर का जो रिपोर्ट था वो ठीक नहीं हुआ है. मतलब जो प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं हुई है और इस साल के फिगर्स पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है. You will just qualify the figures of comparability. मतलब sales में problem थी, stock में मतलब खाली वो आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. You will qualify the figures of comparability. ठीक है. Number two, if the prior period errors are detected in current year, check with the whether the errors corrected and the effect is disclosed in FS. You will disclose it in EOM para. Doctor will disclose in EOM para. अच्छा, if the error is corrected but not disclosed in FS, गलत किया सर. You will modify the report. You will modify the report. In case of D1 and 2, मतलब D1 and D2, in relation to the comparative FS, the auditor shall advise the management to correct the previous year's report, previous year's FS and report on both the years. क्योंकि भैया last time में problem थे, इसलिए problem उसको ठीक कर लीजिए. So मेरे लिए ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा important है. इसमें जो requirement of the standard है ना, ये वाला काम के चाहते हैं, जहाँ पर opinion देनी होती है, qualify कब करना है, qualification of
कंपैटिबिलिटी कब करनी है आपको, ये काम की चीज है, इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। रीड फ्रॉम योर टीचर का बुक, प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग जो पार्ट है, रीड फ्रॉम योर टीचर का बुक। अभी नेक्स्ट ऐसे यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ठीक है, अब सुनो, मतलब एक्सपर्ट का मतलब वो होता है हमारे अलावा, मतलब अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के अलावा जिसको भी अटमोस्ट मैक्सिमम भरपूर मात्रा में नॉलेज है वो भैया हमारा एक्सपर्ट है। एक्चुअरी हो गए, लॉयर हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वैल्यूअर्स हो गए, वो क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट। क्योंकि अकाउंट्स एंड ऑडिट के तो महारे हम लोग ही होते हैं सर, हम लोग ही होते हैं, बाकी सबका उसके अलावा जो भी काम होगा उसके लिए वो एक्सपर्ट। अच्छा, दो प्रकार के एक्सपर्ट होते हैं, एक होता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट, जहां पर बेनिफिशियल ऑडिटर ही हैज टू ऑब्टेन साइन, इसलिए उसको अपॉइंट करता है। दूसरा होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, द बेनिफिशियल एंटिटी, द पर्पस इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव वेदर टू यूज द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट एंड वेदर द वर्क इज एडिक्वेट फॉर द ऑडिटर्स पर्पस। अब पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, मतलब ऑडिटर के लिए क्या वो मैंडेटरी है, नहीं सर, उसको लगता है कि उसको एक्सपर्ट की जरूरत है तो वो एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा। एक्सपर्ट जाकर वहां पर कुछ कर आएगा, He is not bound to take the opinion given by expert. उसको reject भी कर सकता है, चलो उसने मान लिया, मैं बोलता हूं उसने accept कर लिया opinion, जो भी expert ने बोला उसको मान लिया। अब मानने के बाद वहां पर कुछ गलत निकल जाता है, so auditor cannot blame the expert. हमेशा मरेगा तो auditor ही मरेगा, because expression of opinion is the primary responsibility of the auditor. ठीक है, अब देखो, the auditor should obtain perfect understanding of the field of the expert through discussion with them. He should have an agreement in writing regarding nature, scope and objective of expert work, respective roles, responsibility, auditor care responsibility, uske expert care responsibility hai, nature, time and extent of communication, need for the auditor expert to observe confidentiality, kyunki sara data uske paas aayega, competence, he should check the expert is having necessary skills and capability, and very important, how would you evaluate the adequacy of expert's work? ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, relevance and reasonableness of the experts, पहला वर्ड, findings or conclusions and their consistency with the other audit evidence, findings or conclusions. Number two, relevance and reasonableness of significant methods and assumption used, methods and assumption. तीसरा, relevance and reasonableness of source data used. So findings and conclusion, significant methods and assumptions and source data use, ये काम की चीज है, very 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 important. कहानी गाएगा, ध्यान रखना, वैल्यूअर बोलेगा वो एक्सपर्ट बोलेगा, दो ऐसे 500 ऐसे 620 दोनों में आपको देखना है कि किसका एक्सपर्ट है, द बेस्ट पार्ट आंसर इज सेम, अगर आप ऐसे 500 को भी रेफर करोगे आंसर यही होगा, कंटेंट यही होगा, आप अपनी चिकी बुक से वेरीफाई कर सकते हो, सेम मिलेगा। रेफरेंस टू द ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन ऑडिट रिपोर्ट, अगर मेरी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है क्लीन ओपिनियन है, सो नो रेफरेंस इज रिक्वायर्ड अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ, मॉडिफाइड रिपोर्ट है, रेफरेंस देना पड़ेगा टू मेक द मॉडिफिकेशन मोर क्लियर, क्योंकि मेरी मॉडिफिकेशन हुई है बिकॉज ऑफ द एक्सपर्ट, इन एनी केस ऑडिट रिपोर्ट टू क्लियर दैट रेफरेंस डज नॉट रिड्यूस द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर हो गया। नाउ इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स द वर्क ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट एडिक्वेट फॉर हिज पर्पस, ही शुड मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर एसए 705, एज पर एसए 705, ये था मेरा ऑडिटर्स एक्सपर्ट। बहुत काम का चीज है, ध्यान रखना, ये भी पॉजिटिव रहा है हमेशा ट्रेंड में, एसए 299 620 ये दोनों में से एक पेपर में दिख जाता है, इसको ढंग से करके। लास्ट ऐसे, दिस इज आई एम गिविंग एज अ होमवर्क, बेसिकली इंटरनल ऑडिटर बहुत कम रिपीट होता है, तो इसके सामने सेक्शन 138 इंच के बस इंटरनल ऑडिटर का वो पूछना है, ठीक है, अगर आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर थ्री ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर थ्री आपके लिए काम कराएगा, ठीक है। फाइनली करीबन आई थिंक 2150 ने फिर 560 करा आपको, 600 720 करीबन 22-23 ऐसे आपको मैंने करा दिया आपको, ठीक है। अच्छा, 700 की सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी, वो इसमें नहीं है, वो आपको आपके टीचर की बुक से ही पढ़ना है, क्योंकि 700 में फॉर्मेट है जिसमें 701 705 706 मैंने साल भर पहले 701 डाला हुआ था, ऐसे 700 क्वेश्चन करके लिखा हुआ वीडियो, अगर किसी को वो देखना है तो वो देख सकते हो, बाकी आप टीचर की बुक भी आप रेफर कर सकते हो। तो मोटा मोटा ये कुछ 26 ऐसे थे, 22 मैंने करा दे, 3-4 वो हो गए 700 सीरीज वाले, ये 25-26 ऐसे आपको ढंग से आने चाहिए, यही रिपीट होते हैं। अच्छा, जब आप पढ़ोगे मेक श्योर ये आपका खाली वो रिवीजन पॉइंट्स है, ब्लॉक पॉइंट्स है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स है,
कंटेंट आपको आपकी टीचर की बुक में मिल जाएगा वहां पर। सो मान के चलना क्वेश्चन आता है करीबन 4 से लेके 5 मार्क्स, मेरे को 1.25 पेज भरने का है। सो कैसे लिखोगे, पहले तो थ्योरी लिखना अपने को, फिर इंदा बाफ के क्वेश्चन छापने का, फिर कंक्लूजन लिखने का। आपको आप आईसीए के सजेस्ट होते बहुत लंबे लंबे आंसर होते, आपको इतना तो याद होना नहीं है, सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट आपको लिख कर आने का है। आई होप आपको मैंने शायद 5, 10, 15 मार्क की कुछ मदद कर दी होगी। हो सके तो थैंक यू बोल देना, थैंक यू नहीं बोलोगे बस दुआ में याद रखना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर किसी बच्चों को बुरा लगा हो या किसी अगर टाइम वेस्ट होगा, आजकल बच्चे बहुत शाणे हो गए, यूट्यूब पे कमेंट करते रहते मैं तो टाइम वेस्ट कर दिया, बेकार वीडियो है, रिविजन वीडियो, भाई मत देखो, अगर किसी को नहीं देखना है तो मत देखो, फ्री है ना भाई, मत देखो ना, तुम नहीं देखना है। बट अगर किसी को मदद मिली होगी तो बॉस दुआ में याद रखना। ठीक है, आई विल बी पुटिंग फ्यू मोर रिविजन वीडियोस, जैसे जैसे रिकॉर्ड होते जाएंगे वैसे वैसे आते जाएंगे। एंड शुरू में मैंने आपको कहा था वो स्कॉलरशिप की बात, किसी बच्चे की मदद कर दो, ठीक है, वो भी आपको बहुत देखे जाएगा। एंड ध्यान रखना, प्रेयर्स हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और अब अपने को दुआओं की बहुत जरूरत है। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हार्ड, अब की बार मेरे पार सप्ताह लाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।